Hello, everybody, welcome to Understand UPSC. My name is Satyam Jain, and in this particular video, we are starting another flagship series for current affairs to cover your needs for UPSC Prelims 2024. So, in this particular series, it will be a one stop solution for current affairs. Current affairs for UPSC. Should not just be read, but you will have to link them with the static portion, with the PYQ themes, and with other subjects as well. Interlinkage between subjects, for example, between geography and environment, between geography and economy. You need to filter out a lot of content which is not given useful in these particular magazines, and then you have to do some extra add ons. So, these are some important things that are required to cover the current affairs. All of this will be done by me itself here for you. एंड दिस एक चीज का वादा है आपसे दिस पर्टिक्युलर थिंग आई टेलिंग यू दैट दिस पर्टिकुलर सीरीज विल भी अ कम्प्लीट सोल्यूशन फॉर यू अ कम्प्लीट सोल्यूशन आपको इसके बियड करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कोई भी पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है आई एम टेलिंग यू दिस ओके सो इफ़ हैव ऑलरेडी डन करंट अफेयर्स यूज इट टू रिवाइज इफ़ यूव नॉट डन करंट अफेयर्स सो फार यूज इट टू मेक इट योर प्राइमरी सोर्स आई गिव यू एवरी थिंग दैट यू नीड दे विल भी टू टू थ्री लेक्चर्स पर वीक एंड वी विल भी कवरिंग एवरी subject, every topic, every booklet that will be coming. The base source will be PT three sixty five and the add-ons that I'll give you. The all the portions that I'll give you. Okay. I hope this is clear. Also I'll try to, I'm not committing to it, but I'll try to provide you

आई विल ट्राई टू गिव यू दी ओनली रेलवेंट नोट्स फॉर दीज मैगजीन्स ठीक है ये ओ आर एन जब भी आएंगे ठीक है चार पाँच पेजेज़ के या फिर ये जो मार्क् पी टी थ्री सिक्सटी फाइव की पूरी की पूरी बुकलेट है जो मैंने पूरी की पूरी मार्क करके आपको भी पढ़ाऊंगा मैं यू विल गेट देम ओन देडरस्टैंड यू पी एस सी टेलीग्राम चैनल ठीक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑल राइट फिर से बोल रहा हूँ ये करंट अफेयर सीरीज पूरा सब कुछ सॉल्व कर देगी एक लेक्चर देखो आपको समझ में आ जाएगा करंट अफेयर पढ़ते कैसा है ठीक है क्लियर चलिए शुरू करते हैं लेटस बिगिन सो दिस इज द बुकलेट पी टी थ्री सिक्सटी फाइव पॉलिटी एंड दिस हैज बीन मेड बाई विजन आई एस उनको क्रेडिट दिस चीज़ का पूरा का पूरा वी आर यूजिंग इट अंडर द फेयर यूज पॉलिसी ऑफ द कॉपी राइट एक्ट जस्ट टू टीच नथिंग एल्स देन फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर इसमें आ गया है देन पहली अपडेट आएगी जिसमें जैन एंड फेब आएगा देन सेकेंड अपडेट आएगी जिसमें मार्च एंड अप्रैल आएगा ये सब भी मैं ही कवर कराऊंगा डोंट वरी तो ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा थर्टीन का करंट अफेयर हो जाएगा आई कवरिंग दिस होली एंड सोनि चलिए दिस आर दॉपिक्स भी कवरिंग टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ओके ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे डायरेक्टली शुरू करते हैं सो दिस इज द टॉपिक नंबर वन इशूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रेंड देखिए द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा 2020 में यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ डैश 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 चार पांच चीजें दे रखी थी नाउ ऑब्वियसली दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजेंट डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ये पढ़ाऊंगा आपको कि ये जुडिशल इनोवेशन था कैसा है वो भी बताऊंगा बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इसकी एक बार जब इस पर बेसिक क्वेश्चन आ गया है तो अब हल्का सा एडवांस क्वेश्चन आ सकता है राइट right? दैट इज वट द प्रेजेट्री इज के अगर एक बार बेसिक क्वेश्चन आ गया है, तो नेक्स्ट टाइम इट कैन बिट ऑफ एन एड एस क्वेश्चन तो दट इज वी नीट टू स्टडी दीज टॉपिक्स ओके

Then 1967 में आपका गोलकनाथ केस हुआ वहां कर दी गई करने का प्रोसीजर। वो नहीं देता है, राइट तो इसलिए जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता ऐसा बोला गया इन द गोलकनाथ केस। इसको याद एक गोलकनाथ केस से बन सकता है कि गोलकनाथ केस में बोला था कि अमेंड नहीं कर सकते अमेंड कर सकते हैं राइट right? या फिर इनमें से किसी को बोल देगा कि गोलकनाथ केस था तो याद रखिएगा गोलकनाथ केस में सबसे पहले बोला गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता बाय द इंडियन पार्लियामेंट फिर इसी चीज के काउंटर में जो पार्लियामेंट था आपका उसने 1971 में दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किए

आपका ये हो गया लास्ट में इसके पूरे के में 1973 में आपका केशवनंद भारती केस आया पे सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट एवर बेंच बैठी ऑफ 13 जजेस याद रखिएगा 13 जजेस लार्जेस्ट एवर बेंच यूपीएससी क्या करेगा इसमें आपको 13 की जगह 15 लिख देगा 11 लिख देगा बोलेगा कि लार्जेस्ट बेंच थी लेकिन इलेवन बैठे थे नहीं लार्जेस्ट प्लस थर्टीन ठीक है देन द किया आउटकम वट वॉज द केशवानंद भारती जजमेंट अबाउट इसमें बोला गया कि भाई जो ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट है वो बिल्कुल सही है इट द अप हेल्ड द वैलिडेंट एंड इट सेड दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एन ऑल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग यूपीएससी का करेगा एक्सक्लूडिंग लिख देगा नहीं केशवानंद भारती केस इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट कैन अमेंड ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गई बात देन उस क्या बोला कि जो गोलकनाथ केस में हमने कहा था कि जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वो अनलिमिटेड नहीं है राइट right? अब हम उसको बोल रहे हैं कि हाँ पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता एसेंशियल फीचर्स को ओके पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन एसेंशियल फीचर्स को जब कंबाइन करके बोला गया तो इसी का नाम था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रेन बात समझ में आ गई

नाउ लुकेट दीज थिंग्स दिस आर द बेसिक फीचर ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल इट कम्प्राइज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनको एक रीड कर लो एक चीज मैं बता देता हूँ अगर ऐसा आ जाए कि फंडामेंटल राइट आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो पर से है ना no, कंप्लीटली है फंडामेंटल राइटायर पार्ट पर से इज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर बिकॉज देन द पार्लियमेंट वुड नॉट गेट द पॉर टू अमेंड इट अगर आप बोल दोगे कि फंडामेंटल राइट right का पूरा का पूरा पार्ट एज इट इज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो पार्लियामेंट के पास वो पावर ही नहीं रह जाएगी कि वो उसको अमेंड करे करेक्ट तो फिर तो वो पिछले जजमेंट टाइप का ही हो गया जैसे पिछला जजमेंट था वैसा ये हो गया तो इसमें फिर पार्लियामेंट को फायदा क्या होता क्लियर बात समझ में आ गई तो सोर्टी सेक्यूलरिज्म वेलफेयर स्टेट जुडिशियल रिव्यू यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन ये चीजें जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है इनको पार्लियामेंट नहीं बदल सकता राइट right? एक लाइन आपको लाइन ये इन द कॉन्स्टिट्यूशन राइट ये पूरा मेंस वाली चीज है इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बात समझ में आ गई जितना मैंने बताया इसमें से ही जो क्वेश्चन आएगा बेसिक स्ट्रक्चर का इसके बियड आपको कुछ नहीं सुनना है कुछ नहीं पढ़ना है चले नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी द बेसिक स्ट्रक्चर तो

बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कैसे है इंडिया में लोअर जुडिशियर का judicial का स्ट्रक्चर एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कोर्ट होती है उसके एक सिविल साइड होते हैं क्रिमिनल साइड होते हैं सिविल साइड में जब वो बैठते हैं जजेस तो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट बोलते हैं उसको और मुंसिफ कोर्ट होती है क्रिमिनल साइड में इट इज़ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट राइट सिविल साइड में आप ये वर्ड यूज नहीं करते हो मजिस्ट्रेट क्रिमिनल साइड में मजिस्ट्रेट वर्ड यूज करते हो सिविल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ठीक है तो आपको याद रखना है इट इज मजिस्ट्रेट ठीक है यहाँ पे इस साइड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो वो आपके क्या हो जाएगी क्रिमिनल कोर्ट हो जाएगी क्रिमिनल साइड ऑफ द लोअर कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन कोर्ट ठीक है आई होप दिस इज क्लियर चलिए लेट्स मूव अहेड देन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि भाई जो इंडिया की जुडिशरी वो पूरी इंटीग्रेटेड है इसका मतलब समझ लो एक बार आप इंटीग्रेटेड जुडिशरी इस बार ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ है तो ऐसा हो सकता है डायरेक्टली ये पूछ ले एक बार पी में पूछ भी चुका है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी के आसपास का क्वेश्चन इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब ये होता है ऊपर सुप्रीम कोर्ट है नीचे हाई कोर्ट है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ठीक है ये सब इंटीग्रेटेड हैं आपस में इनका पे स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड है इनकी सैलरीज इंटीग्रेटेड है इनका स्कोप इंटीग्रेटेड है ऐसा नहीं है देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस तरीके से इंटीग्रेटेड है जो सेंटर के कानून हैं क्या उनको हाई कोर्ट जो है उन उनपे कभी भी जजमेंट नहीं दे सकता यूपीएससी ने पूछा ये वाला स्टेटमेंट और वो गलत था यूपीएससी ने बोला कि हाई कोर्ट जो है वो सेंटर के जजमेंट्स को कभी रिव्यू नहीं कर सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है इंटीग्रेटेड जुडिशिय है इंडिया में राइट right? तो वो कर सकता है दैट दैट इज पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो यही मतलब है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का ऊपर से नीचे तक एक पैरामीटर राइट देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पे पेंशन सर्विस कंडीशन है ना यूनिफाइड जुडिशरी सर्विस कंडीशंस ऑफ द जजेस फॉर सिमिलर आर अक्रॉस स्टेट्स राइट right? यूपी में कोई जज है, है ना यूपी के कोर्ट में कोई जज है सपोज यूपी के के हाई कोर्ट के चीफ जज या फिर होनी चाहिए सेम पोस्ट पे दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफाइड जुडिशरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्लियर देन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हाइएस्ट अथॉरिटी होती अथॉरिटी इन एनी डिस्ट्रिक्ट अब यहां पे क्या कर देगा यूपीएससी गलत बनाने के लिए वो बोलेगा कि नहीं चीफ क्या बोलते हैं ये हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट नहीं डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी क्या है डिस्ट्रिक्ट जज ओके दो चीजें आपको याद रखनी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जरिस्डिक्शन और नोमन क्लेजर ये डिफाइन होता है लेड डाउन बाय स्टेट्स एंड दैट इज वाई डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट हाउ एवर द अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ज मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जो स्ट्रक्चर जुडिशन और नोम क्लेचर की बात है ये स्टेट टू ये स्टेट डिसाइड करता है और जो अपॉइंटमेंट पोस्टिंग और प्रमोशन है ये गवर्नर डिसाइड करता है ठीक है इसको इंटरचेंज कर देगा बोलेगा कि अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट करता है लोअर जुडिशरी में यहीं पर फंसाएगा दिस इज हाउ मैं आपको साथ साथ हर स्टेटमेंट में बताता चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट प्रेज में कैसे आएगा तो उसको प्लीज ध्यान रखिएगा नोट डाउन करते रहिएगा सो हेयर वोट द कमीशन विल डू इज इट विल से की जो अपॉइंटमेंट है टू द लोअर जुडिशरी इट इज डन बाई दिन बाई दीफ मिनिस्टर इट इज डन द दाई कोर्ट फॉर दैट मैटर नहीं इट इज डन बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विदाई कोर्ट ठीक है बात क्लियर हो गई है चलिए आगे बढ़ते हैं सो देक्ट पॉइंट दैट वी हैव इज दुकेशन ऑफ आर्टिकल थ्री सेवेंटी नो दिस इज नॉट सो टेंट फॉर दिस दिसम्स बिकॉज थ्री सेवेंटी रिमूव हो गया है, तो थ्री सेवनटी से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्वेश्चन आएगा तो शेड्यूल सिक्स से आएगा क्यों क्योंकि लद्दाख जिसको आर्टिकल थ्री सेवनटी के एब्रोकेशन के टाइम एक यूनियन टेरेटरी बनाया गया था वहां पर बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हमें शेड्यूल सिक्स में ऐड करो ठीक है तो क्वेश्चन आएगा तो शेड्यूल सिक्स के अराउंड आएगा या फिर आर्टिकल नंबर थ्री के अराउंड आएगा बात समझ में आ गई तो इनको ध्यान से पढ़ना है नाउ एक बात समझो इसको फिर भी कवर करते हैं ताकि आपको ना रहे जिस टाइम ये हुआ

बात समझ में आ गई किसी भी तरीके से पार्लियामेंट चाहे तो कानून ला के स्टेट बाइफरकेशन कर सकता है स्टेट मर्जर कर सकता है ये पार्लियामेंट का कंप्लीट अथॉरिटी है इस पर बात समझ में आ गई पार्लियामेंट है इस दी कम्प्लीट अथॉरिटी तो ये अपने आप को हमें क्या करना है याद रखना है ठीक है ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट क्योंकि इसे रिमूव हुए पाँच छह साल हो गए अब इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा आर्टिकल थ्री क्या है वो मैंने आपको बताया नया स्टेट बनाना बाउंड्रीज ऑल्टर करना ये सब चीजें जो है वो पार्लियामेंट बाई लॉ कानून के तहत कर सकता है ठीक है, Done. जो इसका है, वो बोलता है कि इट शैल बी इंट्रोड्यूस इन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ये होगा नाउ प्लीज डोंट थिंक कि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट से परमिशन लेकर रिकमेंड करेगा नहीं ऐसा नहीं है ठीक है

भेजा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को लेकिन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट थी नहीं उनको तो कर रखा था सस्पेंड पे तो लगा हुआ था आपका वहां पे तो जो चीफ बैठे थे, थे गवर्नर तो गवर्नर तो ऑब्वियसली कर ही देंगे तो गवर्नर से पास करवाया गया एंड देन इट वॉज डन ठीक है क्लियर हो गई बात समझ में आ गई चलिए लेट्स मूव टू नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली ट्वेंटी थ्री नाउ अभी देखिए दो तीन चीज़ें समझ लीजिए

यहाँ पे यूटी बन गया था, लेकिन इसके दस साल बाद बोला गया लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्मेंट आनी चाहिए

राइट तो वो यूपीएससी क्या देगा यहाँ पे देगा दीफ द चेयरपर्सन ऑफ द एन सी सी एस ए इज द होम मिनिस्टर नो इट इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ना यहां पे केजरीवाल का फोटो लगा दो एक अरविंद केजरीवाल का फोटो यहाँ पे लगा दोगे आप तो आपको याद हो जाएगा ठीक है देन द प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ द डेली गवर्नमेंट इज द मेंबर सेक्रेटरी द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द डेली गवर्नमेंट इज अ मेंबर तो देर इज अ प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एंड इज अ चीफ सेक्रेटरी ये तीन लोग मिलकर बनाते हैं एनसीसी एस ए

देन ये मैंने आपको बताई दिया कि आर्टिकल 239 ठीक है देखो इसको पढ़ लेते हैं एक बार सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्लासीफिकेशन यूनियन टेरिटरी टेरिटरी ठीक है अब आर्टिकल 239 थर्टी नाइन क्या कहता है कि जो यूटी है वो डायरेक्टली गवर्न करेंगे या तो प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट के अपॉइंटेड कोई एडमिनिस्ट्रेटर और यही जो पोस्ट है दिल्ली में वो क्या है एलजी की है प्रेसिडेंट के अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ही है एलजी

हालांकि अब ये अमेंडमेंट करते करते एल को ही फाइनल बाइंडिंग अथॉरिटी बना दिया गया है सुपीरियर अथॉरिटी बना दिया गया है क्लियर बात समझ में आ गई चलिए देन लेट्स कम टू डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है देखो डिटेंशन कुछ चीज को प्रिवेंट करने के लिए अगर हमें पता है कि कल कम्यूनल राइट्स हो सकते हैं

जो अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है क्या है बाईस एक और बाइस दो देख लेते हैं ट्वेंटी टू वन इज नो पर्सन कैन बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बींग इन ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नो शेल बी डिनाइट द राइट टू कंसल्ट ठीक है क्या चीजें एक तो इन्फॉर्म इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दूसरा राइट टू कंसल्ट ये मिलना चाहिए ये बोलता है आर्टिकल ट्वेंटी टू वन

प्रिवेंटिव डिटेंशन लग जाएगा तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी आपको बाईस एक बाईस दो नहीं मिलेंगे बात समझ में आ आगे नॉट अवेलेबल ठीक है आपके लिए नॉट अवेलेबल हो जाएगा एन ए जाएगा देन पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉ बनाने के लिए तीन मैटर्स पे डिफेंस फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी अगर डिफेंस फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी की बात चल रही है तो इट इज द पार्लियामेंट ओनली दैट कैन मेक द लॉज रिगार्डिंग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन हाउ एवर अगर बात चल रही है किसी स्टेट की सिक्योरिटी की पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस की या सप्लाईज एंड सर्विसेज की तो स्टेट भी बना सकती है पार्लियामेंट तो बना ही सकता है स्टेट्स भी बना सकते हैं जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो भी बना सकता है कैन कंकरेंटली मेक लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन रिलेटेड टू दीस सब्जेक्ट्स बात समझ में आ गई अगर दायरा बड़ा है पूरे भारत का है राइट जैसे कि डिफेंस वगैरह की चीज़ें फॉरन अफेयर्स की चीज़ें सिक्योरिटी की चीज़ें तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्वियसली सिर्फ पार्लियामेंट का पावर रहेगी है, है ना बात समझ में आ रही है एंड अगर किसी स्टेट को भी आपको इंक्लूड करना है तो वहां पे स्टेट की भी अगर चीजें इंक्लूड हो रही हैं स्टेट के मैटर्स इंक्लूड हो रहे हैं तो स्टेट भी कानून बना सकती है याद रखोगे ये चीज चलो ये एक पॉइंट uh, आया जो दिया यूपीएस ने 2023 के पेपर में आपको मुझे बताना है कमेंट में ये आपका पहला क्वेश्चन है इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स कॉन्स्टिट्यूशन एक्जिम द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर परसन बींगशन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन सोच समझ के बताना है ना भले अगर इस पर रिसर्च भी करना पड़े तो रिसर्च करो तब देख के बताना ऐसे सिर्फ वो मत करना नहीं तो गलती करोगे इस आंसर में इसको समझाऊंगा मैं बाद में पहले आप आंसर दोगे फिर मैं इसको आपको समझाऊंगा ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेप ध्यान से सुनना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेम्प्ट करता है स्टेट्स को फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपने रख लिया है ठीक है क्या कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिम करता है ये अपनी मेन मुद्दे की बात है डन चलिए लेट्स हैव अ लुक एट इट देन व्हेन यू आंसर इट देन पर्सनलिटी राइट्स पे क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी नहीं आएगा इसको पूरे के पूरे को छोड़ सकते हो एकदम ही काम का नहीं है ये यह। यहाँ से अगर कुछ याद रखना है तो ये कन्वेंशन के नाम याद रख लो रोम ट्रिप्स एंड वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी रोम कन्वेंशन ट्रिप एग्रीमेंट वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी इन तीनों में प्रोविजंस है रिगार्डिंग कॉपी राइट प्रोड्यूसर राइट राइट परफॉर्मर राइट एटसेट्रा एट्सेट्रा ठीक है लोगों के राइट्स के प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिस्ट्स के राइट के प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपके ट्रीटीज है तो आप इनका नाम याद रख सकते हो अगर पूछ ले कि ये जो ट्रीटी है किस चीज़ में आई है मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो अगर आएगा भी कोई तो ये वाला आ जाएगा है ना रोम कन्वेंशन आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट यही लग रहा है क्योंकि इसके तो नाम से पता चल रहा है फोनोग्राम ट्रीटी तो समझ में आ जाएगा रोम कन्वेंशन है ना जैसे हेक कन्वेंशन पूछ लिया था जैसे वो अंडर टू कॉलिशन पूछ लिया था आपका मैज द फॉलोइंग में तो ऐसे रोम कन्वेंशन दे देगा मैज द फॉलोइंग में पूछेगा किससे रिलेटेड है तो इट इज टू प्रोटेक्ट द परफॉर्मर्स राइट ओके क्लियर जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना उसके अलावा नहीं पढ़ने की जरूरत है उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे राइट चलिए लेट्स मूव अहेड देन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है दिस इज आर्टिकल ट्वेंटी राइट टू लाइफ आपको पता ही है ये एंड आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए राइट टू प्रॉपर्टी इट केम बाई द फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें एक चीज देखते हैं चलो लेट अस लुक एट दिस वन पर्टिकुलर थिंग थिंगयर जो इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत हो भी सकती है अगर तो आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी ये आया था फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट से नाइनटीन सेवनटी एट में ठीक है इसमें लिखा था नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाई द अथॉरिटी ऑफ लॉ UPC ने क्या क्वेश्चन पूछा पे पे कि क्या नो पर्सन no लिखा है या पे नो no लिखा है बात समझ में आई यही है यही पूरी चीजें है यही है कि आपको पॉलिटी ध्यान से पढ़नी पड़ती है, इसी की से नंबर नहीं आते है। no property, ठीक है कोई भी इंसान सिटीजन हो या ना हो उसके लिए राइट टू प्रॉपर्टी है ये चीजें ध्यान से पढ़नी है

सेक्शन एट इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट उसको दो साल की सजा हो जाती है तो उसको डिस्कालीफाई कर दिया जाएगा उन दो सालों के लिए प्लस आगे के छह साल के लिए भी फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन यही लगा था राहुल गांधी के ऊपर जब वो उनको अभी वो मोदी वाले केस में बाहर किया गया था जब उन्होंने उनको जैसे बोल दिया था सारे मोदी चोर होते हैं क्या ऐसा कुछ बोल दिया था ना उन्होंने सो so, राहुल गांधी वोज डिसक्वालीफाइड अंडर सेक्शन एट ऑफ द आर पी ए हालांकि बाद में जुडिशरी ने उसको रिवोव किया एंड ही वॉज री इनस्टेटेड बट दिस वॉज दिस सेक्शन दैट वॉज इम्प्लीमेंटेड दैन द सेक्शन वन ट्वेंटी थ्री एंड सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ एनिमिटी ऑन द नेम ऑफ रिलीजियन रेस कास्ट कम्युनिटी एटसेकट्रा एटसेट्रा ठीक है बात समझ में आ गई है देन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट सेक्शन सेवन पीनालाइज द अनटचेबिलिटी तो ये कुछ चीज़ें जो आप याद रख सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट का सेक्शन सेवन जो है वो अनटचेबिलिटी के एनकरेजमेंट को ग्रेव ऑफेंस मानता है अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको अच्छी खासी सजा है राइट यही है चीजें जो आपको याद रखनी है विद रिगार्ड्स टू हेट स्पीच भाई अनटचेबिलिटी को प्रमोट करने हुए तो हेट स्पीच ही है ना क्योंकि आप हेट क्रिएट कर रहे हो उस पर्टिकुलर से पर्टिकुलर सेक्शन के लिए करेक्ट देन द places ऑफ वर्शिप एक नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम्स एक कहानी बता दो कहानी सुन लो ताकि आपको इंटरेस्ट भी रहे और आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता भी हो ठीक है सो so, देखो हुआ क्या कि जब uh, 1991 नाइन्टी में अयोध्या और बाबरी ध्यान से सुनो एक अनफॉर्म सिटीजन भी बन के जाओगे और समझ भी आएगा कि क्या चल रहा है नाइनटीन में आफ्टर द अयोध्या बाबरी मस्जिद इशू वे द बाबरी मस्जिद वॉज रैंस uh, तो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट को लगा कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बहुत सारे जगह पे ये सेम चीज़ होने लगे कि यू नो रिलीजियस कैक्टर जो है वो चेंज कर करा जाने लगे ऑफ वेरियस रिलीजियस प्लेसेस तो गवर्नमेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाइनटीन पास किया और उसके तहत कहा कि जिस स्ट्रक्चर का जो भी रिलीजियस स्टेटस था जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वही रहेगा उसको चेंज नहीं करना है एक्सेप्ट द अयोध्या

इंपॉर्टेंट है ये ज्ञान वापी वाले केस में जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने क्या कहा कि हम रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं हम रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं कि क्या रिलीजियस कैरेक्टर है इस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है इस जगह का ये कैसे पता चलेगा ये तभी ना पता चलेगा जब आप उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाएंगे ये देखने के लिए कि क्या वो एक मॉस्क है या फिर क्या वो एक टेम्पल है तो पेटिशनर्स ने बोला कि यहाँ पे जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं तो ये मॉस्क कैसे हो सकती है तो एक मंदिर होना चाहिए तो ये पूरा इशू था तो इस इशू के लिए जो कोर्ट थी उसने बोला ए को कि आप यहाँ पे पड़ताल करो तो उस पड़ताल को करने के बाद पता चला और सर्वे को करने के बाद पता चला ए का बयान है एस की रिपोर्ट है कि हाँ यहाँ पे टेम्पल एग्जिस्ट करता था तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ज्ञान व्यापी मोस्ट का इशू है वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वायलेट नहीं कर रहा है जो ज्ञान व्यापी का पूरा केस है वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वायलेट नहीं कर रहा है रेदर वो उसको सपोर्ट करने के लिए कह रहा है कि भाई आप रिलीजियस सेक्टर को डिफाइन तो करो पहले एंड सिमिलरली जो मथुरा जन्मभूमि वाला चीज आ जाती है कि भाई मथुरा जन्मभूमि में देन कैसे चल रहा है तो मथुरा जन्मभूमि में क्या हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया था लगभग की बात है ये और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ जमीन मस्जिद को दे दी गई थी कुछ जमीन हिंदू पक्ष को दे दी गई थी ऐसा हुआ था नाउ द पेटिशनर्स हैव दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कि यार वो कॉन्ट्रैक्ट गलत था यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्सिप एक्ट का इंक्लूजन ही नहीं है उसकी बात ही नहीं हो रही है तो चैलेंज क्या है? वो हुआ है न्यूज में रोज बात समझ में आ गई यहाँ पे कोई नीचे कमेंट्स में वो करने की जरूरत नहीं है इसको ओवरटोन देने की आप एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट से एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बस समझिए ये कि ये कैसे हो रहा है आई एक्सपेक्ट बेट ऑफ मेच्योरिटी मैं आपको समझाने के लिए चीज़ समझा रहा था बता रहा था चलिए लेट्स मू टू द नेक्स्ट टॉपिक सो हेयर द फर्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो उड़ीसा कैबिनेट ने बोला है कि कोई लैंग्वेज है उसको एट्थ शेड्यूल में एड किया जाए तो हम ऐट्स शेड्यूल जान लेते हैं क्या एट्थ है? शड्यूल वो है जिसमें इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं ये ऐसी हमारे पास अभी बाईस लैंग्वेज है जब स्टार्ट हुआ था तो फोर्टीन लैंग्वेजेस थे एक बार सबके नाम देख लीजिएगा जाकर मैं आपको बता देता हूँ कि बाद में क्या ऐड हुआ ट्वेंटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ वहां से सिंधी ऐड हुई ठीक है फिर उसके बाद सेवेंटी वन फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ वहां से कोंकणी मणिपुरी और नेपाली ऐड हुई लास्ट में नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट हुआ वहां से संथाली डोगरी और मैथिली ऐड हुई ठीक है याद कैसे करना चलो उसको याद करते हैं देखो सबसे पहले इनिशियली कितनी थी फोर्टीन लैंग्वेजेस थी ठीक है सेवन टू से कितने होते हैं फोर्टीन सेवन थ्री से कितने होते हैं ट्वेंटी वन सो वन जो पहला अमेंडमेंट था वो कैसे किया गया ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट वोज दो फर्स्ट अमेंडमेंट टू एट स्केड्यूल यहाँ पे कितनी लैंग्वेज एड हुई वन ठीक है देन यहाँ पे आप फिफ्टी एड कर दो तो सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट बन जाएगा राइट सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट में कितनी लैंग्वेजेज एड हुई आपकी तीन इन दोनों को जोड़ दो सेवनटी वन ट्वेंटी वन को तो क्या बन जाएगा नाइन्टी टू यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे बन जाएगा फोर तो नाइन्टी टू में कितनी लैंग्वेजेज एड हुई फोर ट्वेंटी वन में वन विच वॉज सिंधी सेवेंटी वन में थ्री विच वॉज के के एल एम और एन के एम एन कौनकनी मनीपुरी और नेपाली ठीक है और लास्ट में जो चार बची आपकी वो 92 में ऐड हो गई बीच द संथाली डोगरी मैथिली एंड बोडो एस डी एम बी ठीक है क्लियर बात समझ में आ गई कौनकनी मणिपुरी नेपाली राइट right? और यहाँ पे नीचे आपका संथाली डोगरी मैथिली और बोडो ये लैंग्वेजेस ऐड हुई तो जो लास्ट ऐड हुई थी वो यही थी 2003 में पिछले 20 साल से इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है ठीक है अगर कोई चीज कोई लैंग्वेज शेड्यूल एट में ऐड हो जाती है तो क्या होता है उसको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है से उसको रिकॉग्निशन मिलता है उसके अलावा पार्लियामेंट की डिबेट्स में पार्लियामेंट के असेंबली में उसको यूज कर सकते हैं आप ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं और आरबीआई को उसको करेंसी नोट्स के पीछे लिखना पड़ेगा ठीक है देन नाइन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था यहाँ पे आर्टिकल थर्टी वन बी एड किया गया था

ये कौन से अमेंडमेंट से आया था ये किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे आया था अब अगली बार पूछ लेगा कि ये किस आर्टिकल में आया था तो थर्टी वन बी में आया था ठीक है क्लियर देन राइट टू साइलेंस ये नहीं पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन परम सेक्टर नहीं पूछा जाएगा आपसे ये सब मेन्स के टॉपिक है अफर्मेटिव एक्शन नहीं पूछा जाएगा आपसे बहुत सिंपल आपको पता ही है कि रिजर्वेशन फिफ्टी वन फिफ्टीन फोर और सिक्सटीन फोर के अंदर मिलता है नथिंग एल्स ठीक है फिर ये मेन्स के रिलेटेड है देखिए मैंने लिख भी रखा है मेन्स है ना इमरजेंसी वाला तो आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस साल तो इमरजेंसी वाला पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा ठीक है ये आपका होमवर्क है इमरजेंसी वाला पूरा चैप्टर आपके हर आर्टिकल आपको पढ़ा होना चाहिए तीन सौ बावन तिरपन चौवन पचपन सात छप्पन सत्तावन अठावन छठ साठ थ्री फिफ्टी टू से थ्री सिक्सटी एंडायर पार्ट एटीथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट एटीथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल तीन सौ बावन से लेकर तीन सौ साठ तक ये पूरा आपका पढ़ा होना चाहिए दिस इज रिलेटेड टू द इमरजेंसी प्रोविजन्स ओके क्लियर चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट ओके एज पर द नो कॉन्फिडेंस मोशन फर्स्ट टॉपिक है हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन इसके बाद में देखते हैं पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन को समझ लेते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है जो पोजिशन है वो बोलेगा कि हमें गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसलिए हम देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है कि नहीं है तो वो लेके आएंगे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन राइट और अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी मिली तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा अगर नहीं मिली मेजोरिटी तो फिर गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा नाउ इसमें एक बात क्या है कि इट इज ओनली मूव इन द लोकसभा इसमें राज्यसभा में इसको आप मूव नहीं कर सकते हैं देन आर्टिकल क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कलेक्टिवली होल्ड करता है टू तो द लोकसभा ध्यान रखिएगा टू तो द लोकसभा इसीलिए इसीलिए जो ये वाला बिल है नो कॉन्फिडेंस मोशन है बिल नहीं मोशन जो है ये ये आपका सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है ठीक है इसी तरीके से सेम चीज है आपकी स्टेट्स पे आर्टिकल वन सिक्सटी फोर टू के अंतर्गत ओके okay, इसके जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है राइट right? वो रूल 198 में नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग प्रोविजन बनाया गया है ठीक है क्लियर नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन डिस्कस नेगेटेड बाय हाउस देन अदर नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी मूवड इन द सेम सेशन यहाँ पे यूपीएससी क्या देगा कि एक ही सेशन में दो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किए जा सकते हैं नहीं एक सेशन में एक ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लेके आ सकते हैं ठीक है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लेके आए और उसके बाद अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका क्वैश हो गया तो आप दूसरा नहीं लेके आ सकते हो राइट right? कैसे होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ये सुन लो सबसे पहले हाउस कहता है कि भाई हमें कॉन्फिडेंस प्रूव करो है ना हाउस एक्सप्रेस इट्स वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस फिर स्पीकर एक्जामाइन करता है इफ़ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इन ऑर्डर और नॉट देन द स्पीकर एक्जामाइंस इफ इट इज इन ऑर्डर और नॉट अगर जो भी वो इंसान है जिसने उस बिल को टेबल किया था वो पास करता है कि हमें लीव ऑफ हाउस चाहिए टू मूव द मोशन ठीक है फिर स्पीकर लोगों से पूछता है कि कितने लोग इसके फेवर में है नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगर पचास लोग हाथ खड़ा कर देते हैं है ना अगर पचास लोग या उससे ज्यादा लोग हाथ खड़ा कर देते हैं तो स्पीकर कहता है कि चलो ठीक है हाँ लीव मिल गई आपको अब आप इस मोशन को मूव कर सकते हैं फिर वो मोशन डिस्कस होता है एंड विद इन टेन डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ लीव उसको डिस्कस करना होता है बात समझ में आ गई ये है आपका पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन क्लियर तो इसमें देख लेते हैं हम कुछ चीजें इस पर चार क्वेश्चन आए हैं फटाफट देखते हैं सबसे पहला आया था पी एम बिलोंग टू द राज्यसभा ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या स्टेटमेंट सही है हाँ जी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अगर पीएम राज्यसभा से है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब चलेगा तो पीएम वोट नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में चलता है राइट पीएम जाके हमारी स्पीच तो दे सकते हैं अपने आपको डिफेंड तो कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर पाएंगे उसमें टू पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करना लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है राइट right, करेक्ट है भी स्टेटमेंट राज्यसभा के वाला नहीं है ये देर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां दिया हुआ है रूल 198 में हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पांसिबल है देन लास्टली नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन भी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली तो बिल्कुल करेक्ट है ही

हैज भी टेकन अप विद इन टेन डेज ऑफ लीव बिंग ग्रांटेड एंड राज्यसभा इज नॉ एम्पावर टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी आपको मेरे को बताया है कि इसमें से कौन से आपके स्टेटमेंट्स चाहिए कौन से स्टेमेंट आपके गलत है राइट है तो मैंने अभी आपको नीचे पढ़ाया ही मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला देखिए यहाँ पे द मोशन इज टेकन अपॉर डिस्कशन विद इन टेन डेज फ्रॉ डेट ऑफ ग्रांट ऑफ लीव द मोशन इज एडमिटेड इन टेन डेज ऑफ द लीव बिंग ग्रांटेड ठीक है डन समझ में आ गई बात चलिए

है ना तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है कि आपको कोई ऐसे आके बोले देखो इट अपेल्ड द लीगल इम्यूनिटी ग्रांटेड टू लेजिस्लेटर्स अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन ब्राइबरी चार्जेस फॉर एनी स्पीच और वोट इन पार्लियामेंट तो ये काफ़ी गलत जजमेंट था ये ऐसे प्रेसिडेंट्स आपको नहीं सेट करने चाहिए और इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेक्टिफाई भी किया इसको ओवरटर्न कर दिया कि नहीं ये ठीक नहीं था तो बेसिकली ये क्या है कि अगर कोई एम है वो बोले कि आप मुझे पाँच करोड़ रुपये दे दो और मैं आपके फेवर में वहाँ पर वोट करवा दूंगा है ना तो इस चीज़ के अगेंस्ट उस पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं चल सकती है ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में ये तो गलत ही है ना है ना तो इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया है हालांकि खैर आपसे ये नहीं पूछेंगे आपसे पूछेंगे पार्लियामेंट्री प्रिवेलेज तो पार्लियामेंट्री प्रिवेलेज पढ़ लेता है पार्लियामेंट्री प्रिवेलेज रेफर्स टू तो द लीगल इम्यूनिटी लीगल इम्यूनिटी विच इज ग्रांटेड टू लेजिसलेचर्स ताकि वो अपना काम सही से कर सके इट इज ग्रांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों है इसमें याद रखिएगा सिविल लाइबिलिटी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी ठीक है सिविल लाइबिलिटी भी और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी दोनों चीज़ें हैं सिर्फ क्रिमिनल या सिर्फ सिविल नहीं है

फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिलती ही है इन लोगों को कि आप कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे कुछ भी बता सकते हो कोई भी वोट डाल सकते हो इसके अगेंस्ट आपको कोई भी पार्लियामेंट या उसकी कमिटीज जो है वो आपको नो मेंबर इज़ लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट है ना वहाँ पर आपको नहीं बुलाया जाएगा कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा आप जो भी बोलते हैं जो भी करते हैं जो भी वोट डालते हैं पार्लियामेंट में उसकी किसी भी कमेटी में उसके रिगार्डिंग आपको कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता इसीलिए इसको बोला गया है क्या है ये सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से

पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचाता है लेकिन ये ये वाली चीज़ फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट डेज डेज पहले 40 बाद में ये में क्रिमिनल केसेस नहीं है है ना नहीं तो फिर तो बस हो गया फिर तो एमपी कुछ भी कर देगा कहीं भी जाके ऐसा नहीं है ना क्रिमिनल केस चल सकता है अंडर द इम्यूनिटी इन द क्रिमिनल केस इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा राइट क्लियर चलिए फिर अच्छा प्रिविलेज कमेटी और देख लेते हैं क्योंकि आजकल यूपीएससी कमेटी से पूछ लेता है तो प्रिविलेज कमेटी इज अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो दोनों हाउसेस में है लोकसभा में इसमें पंद्रह मेंबर होते हैं राज्यसभा में इसमें दस मेंबर होते हैं लोकसभा के मेंबर स्पीकर अपॉइंट करता है राज्यसभा के मेंबर चेयरमैन अपॉइंट करता है चेयरपर्सन अपॉइंट करता है ठीक है और किसी भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को लेकर अगर कोई क्वेश्चन उठाया गया तो ये उसको इन्वेस्टिगेट करती है ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है राइट समझ में आ गया देन अच्छा एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है

पार्लियामेंट की फंक्शनिंग रुक जाती है है ना आप ऐसे पार्लियामेंट में जाके बैंड वजा बजा देते हो तो आपको क्या लगेगा ऑफ हाउस लगेगा क्योंकि आपने प्रोसीडिंग्स को रोक दिया प्रोसीडिंग्स को ऑब्सक्ट किया जैसे ऑफ उस जस्टिस होता है ना ऐसे ऑब्शक्स ऑफ ऑब्सक्शन ऑफ उस प्रोसीडिंग्स पे कंटेंप्ट ऑफ हाउस लगता है हालांकि कंटेंट के केस में भी और ब्रिज ऑफ पवरेज के केस में भी जो सोल अथॉरिटी डिसाइड करने की वो किसके पास है पार्लियामेंट के पास है उस लेजिस्लेचर के पास है ऐसे बोल लो ठीक है बात समझ में आ गई चलिए एक्सपल्जन ऑफ लॉ मेकर्स तो लॉ मेकर्स का किस किस बेसिस पे एक्सपर्जन किया जा सकता है यहाँ पे वो वाली बात चल रही है एक सबसे पहले यहाँ पे एथिक्स कमेटी की बात थी किसी एम ने कोई गिफ्ट विफ्ट ले रखे थे तो वो एथिकल कमेटी ने बोला कि लीगल था उसका एक्सपल्जन हो गया तो हम एथिकल कमेटी देख लेते हैं क्या है एथिकल कमेटी लोकसभा में क्या है वो देखते हैं सबसे पहले नोट मोर देन फिफ्टीन मेंबर्स है ना तो सबसे ज्यादा इसमें मेंबर कितने होंगे फिफ्टीन उनको कौन अपॉइंट करेगा स्पीकर कितने टाइम तक वो पोस्ट होल्ड करेंगे एक साल तक क्या काम करेंगे अनएथिकल कंडक्ट्स को चेक करेंगे उस पर रिकमेंडेशन देंगे राइट सबसे पहली एथिकल कमेटी लोकसभा में 2000 में बनी थी और राज्यसभा में 1997 में ठीक है तो एथिक्स कमेटी ऑब्वियसली लोकसभा राज्यसभा में दोनों में ही एग्जिस्ट करती है देन लॉ मेकर्स को निकालने के कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन भी होते हैं और लीगल रीजन भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस तो हमने देखा ही ब्रिज ऑफ प्रिविलेज है कंटेम्प्ट भी हम ऊपर देख के आए हैं है ना फिर फर्दर अगर देखो एथिक्स कमेटी का इन्वॉल्वमेंट ना हमेशा जरूरी नहीं है तो यूपीसी के स्टेटमेंट क्या बनाएगा कि बिफोर the expulsion of a lawmaker the ethics committee must be uh, taken recommendations from in all cases must give recommendations in all cases nahi aisa nahi hai ethics committee ko aap bologe agar aapko dikhega ki kahin pe koi unethical act hua hai to aap ethics committee ko bologe especially ki yaar isme check karo इस particular case में आप चेक करो right? तो ये एक तरीका है लेकिन ये compulsory तरीका नहीं है ethics committee के पास जाना compulsory नहीं है then next legal basis क्या है legal basis to ensure इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज द पावर टू फोर्स अ मेंबर टू विद अगर उसमें से कुछ भी आप गलत कर रहे हैं तो जो जो आपका स्पीकर है या फिर जो आपका चेयरपर्सन है वो आपको सस्पेंड कर सकता है आपको आपका एक्सपल्जन कर सकता है यहाँ पे समझ लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या रूल्स हैं लोकसभा में रूल 373 बोलता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एम्पावर करता है कि आप एक ऑर्डर को एमपी दे सकते हो एक आप एक एमपी को ये ऑर्डर दे सकते हो टू विद्रो ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द डे सेटिंग कि अब आप इस पूरे दिन की सेटिंग में नहीं बैठेंगे ऐसे बाहर निकल जाओ है ना गेट आउट हो लो क्योंकि आपने बहुत ज्यादा रकस क्रिएट कर दिया नाउ यू गेट आउट तो ये कर सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिमिलरली राज्यसभा में भी ये चीज करी जा सकती है विडड्रो इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस फॉर डिसऑर्डरली कंडक्ट है ना चेयरमैन ये चेयरपर्सन ये चीज कर सकते हैं 374 में क्या बोला गया सस्पेंड द एमपी पी फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन उस पूरे सेशन के लिए ही उस पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है राज्यसभा में भी सेम चीज है ठीक है हाउस में मोशन सस्पेंडिंग दी मेंबर फॉर पीरियड नॉट द ऑफ़ द सेशन तो उस सेशन के लिए निकाल सकते हैं 374 ए बोलता है ये 2001 में अलग से ऐड किया गया था अलाउिंग स्पीकर टू नेम एन एमपीन ऑटोमेटिकली स्टैंड फॉर फाइव डेज और ये है चीज़ है ना कि अगर सेशन के लास्ट में सेशन के लास्ट में जाते जाते कोई बहुत ज़्यादा नोटंकी कर रहा है तो उसके लिए रूल थ्री सेवेंटी फोर ए लाया गया दो हजार एक में जहाँ पे स्पीकर सीधा बोल सकता है इस एमपी को कि भाई यू आर ऑटोमेटिकली स्टैंड यू ऑटोमेटिकली स्टैंड सस्पेंडेड तुमने बहुत ज़्यादा मिसकंडक्ट कर दिया है यू आर नाउ सस्पेंडेड या तो पाँच दिन के लिए या जब तक वो सेशन रहेगा तब तक ठीक है अगर सेशन चार दिन का है तो सेशन के एंड चार दिन के लिए नहीं तो पाँच दिन तक उनको सस्पेंड किया जा सकता है बात समझ में आ गई हालांकि ये, ये यही यही डिफरेंस है वैसे एक जो आपको याद रखना है थ्री सेवेंटी फोर ए में लोकसभा बिना मोशन के भी सीधा स्पीकर के कहने पे सस्पेंशन कर सकता है लेकिन राज्यसभा में ये नहीं है राज्यसभा के नॉट इट्स मेंबर विदाउट पासिंग अ मोशन याद रख लो ये लाइन को ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मैं इसको हाईली इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट लाइन है लोकसभा कैन सस्पेंड इट्स मेंबर विदाउट पासिंग अ मोशन ऑल्सो राज्यसभा कैनोट डू दैट राज्यसभा कैन ओनली सस्पेंड इट्स मेंबर्स बाई पासिंग मोशन बाई अडोप्टिंग मोशन बात समझ में आ गई क्लियर चले आगे याद रखोगे यही से क्वेश्चन बनेगा अगर बन गया होगा तो यहाँ से इस बार तो फिर यहाँ तो चलो ज़्यादा कुछ है नहीं हाँ कहाँ कहाँ किस किस रीजन से एक लो मीकर जो वो डिस्कवालीफाई हो सकता है अभी तक हमने एक्सपर्जन पढ़ा था अब हम डिस्कवालिफिकेशन पढ़ रहे हैं ठीक है देखो यहाँ पे आप इसका मतलब समझ भी सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपर्जन और डिस्कवालीफिकेशन दोनों दिए अंडर डिस्कवालीफिकेशन द पार्लियामेंट कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन जो एम पी है पार्लियामेंट कॉन कंट्रस द इलेक्शन फर्दर वाइल अंडर एक्सपल्शन ही और शी कैन अगर डिस्कालीफाई कर दिया तो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकता दोबारा उतने पीरियड के, के लिए जितने पीरियड के लिए डिस्कवालीफाई कर रखा है लेकिन अगर एक्सपल्शन किया तो ऑब्वियसली दोबारा से अपॉइंट होकर आ सकता है क्लियर दोबारा सेलेक्ट होकर आ सकता है डिस्कवालीफिकेशन कैसे होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया था आर पी ए सेक्शन एट ठीक है आर पी ए नाइनटीन फिफ्टी वन का सेक्शन एट क्या बोलता है अगर आपको

और 191 नाइन वन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कोई भी एम और एमएलए अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है अनसाउंड माइंड का है यानी कि थोड़ा सा दिमाग से हटेला है और इंसॉल्वेंट है सिटीजनशिप उसके पास नहीं है तो ये रीजन हैं जिससे उनको डिस्कालीफाई किया जा सकता है ठीक है आई होप दिस इज एंटायरली क्लियर लेट्स कम टू एंटी डिफेक्शन लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है भाई सब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तीन चार क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें जनरली क्वेश्चन इसमें क्या आता है दो बार आया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो किस शेड्यूल के अंदर आता है तो शेड्यूल नंबर टेन अब याद कर लो कि किस अमेंडमेंट से आया था ये तो इट वॉज अंडर दमेंडमेंट फिफ्टी सेकेंड अब आप मुझे बताओ कि कमेंट्स में किस प्रधानमंत्री के अंडर आया था तो आपका इस पे जो style, क्या बोलते हैं फैक्चुअल फैक्ट कर वो जो क्या बोलते हैं डेटा है वो प्रिपेयर हो जाएगा टेंथ शेड्यूल फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट और प्रधानमंत्री का नाम बता दो ठीक है क्लियर देन 2022 में क्वेश्चन आया था ठीक है इसको अभी सॉल्व इसके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट में पहले दिया द लो स्पेसिफाइज जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस और सेकंड स्टेटमेंट है लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अपॉन अ केस ऑफ डिफेक्शन ठीक है इसको अभी देख लेंगे इसको पढ़ते हैं पूरे को फिर समझ में आ जाएगा डिसक्वालिफिकेशन कब कब होता है सुनते जाओ सबसे पहले अगर मान लो मैं भाजपा से इलेक्ट होकर एम पी बना या फिर मैं कांग्रेस से इलेक्ट होकर एम पी बना और मैं अपनी जो मेंबरशिप है उसको गिव अप कर दूं। मैं बोलूं कि नहीं यार आई एम नॉट नो मोर अ मेंबर ऑफ द भाजपा जो भी मैं पार्टी से अपॉइंट होकर आऊँ तो मेरी मेंबरशिप चली जाएगी क्योंकि मैं उस पार्टी के नाम पे अपॉइंट हुआ ना उस पार्टी का नाम यूज करके मैं इलेक्ट हुआ तो अगर अब मैं उसकी मेंबरशिप गिव अप करता हूँ तो आई विल बी डिसक्वालीफाइड देन सेकंड अगर पॉलिटिकल पार्टी ने एक विप जारी किया या फिर कहा कि इस लाइन पर आपको वोट करना है इस लाइन पे आपको वोट करना है तो और अगर मैं उस लाइन पर वोट नहीं करता हूँ इवन आफ्टर माई पार्टी स्पेसिफिकली टेलिंग मी तो भी मेरे को डिस्कवालीफाई किया जा सकता है राइट right? देन तीसरा ये दो चीज़ें हो गई फिर तीसरा अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है इंडिपेंडेंट है ना जो निर्दलीय लड़के जीतते हैं और वो आके किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उनको भी क्या किया दिया जाएगा डिस्कवालीफाई कर दिया जाएगा चौथी चीज़ कोई नॉमिनेटेड मेंबर है है ना अगर वो छः महीने के अंदर अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो तो चलेगा अगर छः महीने बीत गए और नहीं किया किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन तो फिर वो डिस्कवालीफाई हो जाएगा छः महीने के बाद है ना आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सिक्स मंथ्स अगर वो ज्वाइन करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो वो सस्पेंड हो जाएंगे वो डिस्कवालीफाई हो जाएंगे सस्पेंड भी नहीं वो डिस्कवालीफाई हो जाएंगे ना डिस्कवालीफिकेशन है पूरे का पूरा बात समझ में आ गई इंडिपेंडेंट मेंबर के केस में अगर आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हो तो डिस्कवालीफाई नॉमिनेटेड मेंबर के केस में अगर आप छह महीने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो तो डिस्कवालीफाई छह महीने के पहले कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब इसका पहला स्टेटमेंट देख लो यहाँ पे

इंडिपेंडेंट नहीं इलेक्टेड नहीं नॉमिनेटेड अगर आप नॉमिनेट होकर पार्लियामेंट में आए हैं और अब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं छः महीने के अंदर अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है छः महीने बीत जाते हैं और तब तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपको एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत डिस्कालीफाई कर दिया जाएगा बात समझ में आ गई देन इसमें एक एग्जाम्स क्या है मर्जर अगर किसी पार्टी के टू थर्ड लेजिस्लेटर्स उस पार्टी से टूट के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसको फिर मर्जर बोला जाता है और ऐसे मर्जर अलाउड है तो इसलिए अब हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती अब कार्ट ट्रेडिंग होती है है ना आप घोड़े नहीं खरीदे जाते हैं पूरी की पूरी कार्ट खरीदी जाती है टू <laughs> थर्ड तोड़ लो बिल्कुल सही है और राइट लास्ट में क्या था लो डज नॉट प्रोवाइड लिमिट विद इन विच द प्रिस ऑफिसर ऑन एंटी डिफेक्शन केस ठीक है इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रख बताई गई है सिर्फ ऐसा लिखा है एज सुन एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अलग अलग जजमेंट्स में कोशिश करी है किसी में बोला है कि तीन महीने किसी में बोला है सोन एज पॉसिबल लेकिन इसमें कोई कंक्रीट चीज है नहीं अभी तक भी ठीक है तो अभी भी कोई स्पीकर बाध्य नहीं है कि कितने टाइम लिमिट के अंदर अंदर उनको बताना पड़ेगा तो यही इसका सेकंड स्टेटमेंट था द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रोसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस बिल्कुल सही है स्टेटमेंट अब जो लोग वो Uh, सिर्फ वर्ड्स uh, पढ़ के आ जाते हैं कि ये वाले दस वर्ड हैं ये कहीं पेपर में दिख जाएंगे तो काट देना तो यहाँ पे एनी देख के काट देंगे है ना ऐसे नहीं होता है इसलिए बोल रहा हूँ एप्टीट्यूड की जरूरत होती है ठीक है तो पी वाई क्यूज कहाँ से करने हैं एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज से ऑल राइट right, ऑलरेडीडीडीडीडी वहाँ पर ग्यारह लेक्चर हो चुके हैं इफ एफ नॉट सीन इट जस्ट गो थ्रू इट वी ऑलरेडी कम्पीटेड ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी एंड वेर कंटिन्यू इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन का पेपर मार्च में ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का पेपर करेंगे उससे पहले पहले उनको देख लो आप फिर आपको पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर इंप्रूव होगा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के पेपर में कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट फिर है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेजिडेंट इन द गवर्नर तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सबसे पहले तो एक बार यही पूछ लिया था कि ये किस आर्टिकल के अंदर आती है ठीक है तो आर्टिकल याद कर लेते हैं सबसे सिंपल आर्टिकल एनके वन टू थ्री टू वन थ्री राइट वन टू थ्री टू वन थ्री वन टू थ्री टू वन थ्री किसका है गवर्नर का याद हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ईदर ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन चलो इसको पढ़ते हैं अभी देख लेते हैं कि क्या क्या होता है और इससे इसके अंदर चीजें चलती है? चलो लुक तो ऑर्डिनेंस आया कब था द पावर टू प्रमुलगेट ऑर्डिनेंस सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आई थी उसके बाद 1909 और 1935 में भी इसकी बात करी गई थी सबसे पहले कब आई ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द ऑर्डिनेंस 123 एंड 213 दीज प्रमुलगेटेड ऑर्डिनेंस इनका सेम पावर होती है सेम इफेक्ट होती है जिस भी किसी कानून की होगी हालांकि टेंपरेरी होते हैं नेचर में देन द प्रेसिडेंट और द गवर्नर विड्रोजस ऑर्डिनेंस में लैप्स अर्लियर अगर पार्लियामेंट अगर प्रेजिडेंट या फिर अगर ध्यान से सुनो इट दोनों हाउस अगर प्रेजिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया और अब दोनों हाउस बोल रहे हैं कि उसको नहीं नहीं चाहिए हमें ये बोथ हाउस पास रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट तो उसको डिसअप्रूव कर दिया जाएगा ठीक है अगर स्टेट में अगर लेजिलेटिव काउंसिल है तो वहां पे करा लो नहीं है तो नहीं सही ठीक है लेजिलेटिव असेंबली है तो रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट इज पास बाई लेटिव असेंबली एंड एग्रीड बाईसलेटिव काउंसिल एग्रीड बाई लेजिस्लेटिव काउंसिल क्लियर समझ में आ गई ये वाली बात आपको देन गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन नॉट मेक ऑर्डिनेंस विदाउट रेफरेंस टू प्रेजिडेंट इन द फॉलोइंग केसेज किन केसेज में वही अगर ओरिजिनली ऐसा कोई भी बिल उसको उनको गवर्नर को प्रेजिडेंट की रेफरेंस के लिए रखना ही पड़ता तो ऐसे किसी केस पे वो ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते हैं है ना अगर प्रायर सेंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए चाहिए होता उसको बनाने के लिए राइट right, तो भी नहीं बना सकते हैं ठीक है तो प्रायर सेंक्शन के, के केस में और रिजर्विंग बिल के, के केस में इन दोनों केसेज में नहीं कर सकते हैं लास्टली इफेक्ट ऑफ द स्टेट लेसिजर कंटिंग द सेम प्रोविजन वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट द रिसविंग द प्रेजिडेंट एसेंट है ना अगर स्टेट लेजिस्टर का कोई ऐसा एक्ट है जिसपे प्रेजिडेंट का एसेंट चाहिए ही चाहिए था और अब क्योंकि स्टेट लेजिस्टर नहीं है तो ऐसा नहीं कि गवर्नर बिना प्रेसिडेंट का एसेंट लिए ऑर्डिनेंस बना सकता है राइट ऐसा नहीं है ठीक है इनवैलिड विदाउट प्रेजिडेंस एसेंट ये आपका तीसरा केस है बात समझ में आ गई ऑर्डिनेंस को लेके क्लियर हो गया ठीक है इसको ऐसे पढ़ लो एक मिनट हाँ छः वीक ये वाला एक पॉइंट रह गया इसमें सिक्स वीक एंड ऑर्डिनेंस सीज इज टू ऑपरेट एट एक्सपायरेशन ऑफ सिक्स वीक्स फ्रॉम द डेट द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो उसके छः हफ्ते के अंदर अंदर वो वैसे भी आपका ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा

ठीक है प्रेसिडेंट सिर्फ तब ऑर्डिनेंस बना सकते हैं जब दोनों हाउसेज में से कोई भी मतलब कोई भी हाउस सेशन में ना हो तब जो है प्रेजिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं ठीक है अब आपको मुझे बताना है कि सही है या गलत है देन सेक्रटरीट ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं तो यहाँ पे कुछ पढ़ने की ऐसे जरूरत है नहीं अगर कुछ है तो मैं आपको बता देता हूँ अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आर्टिकल uh, 98 में सेपरेट सेक्रेटरी स्टाफ की बात करी गई है पार्लियामेंट के हर एक हाउस के लिए तो ये मतलब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है पहली बात याद रखना इसके जो कंडीशन हैं इसकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी इसकी सर्विस कंडीशन क्या रहेंगी उसको कौन डिफाइन करता है पार्लियामेंट डिफाइन करता है है ना ये क्या बोल देगा प्रेजिडेंट नहीं गवर्नमेंट नहीं पार्लियामेंट ठीक है फिर आर्टिकल वन में सेम बात है स्टेट लेजिस्चर के लिए देन इनका पहले कुछ और नाम होता था वो चेंज करके लोकसभा सेक्रेटरीट राज्यसभा सेक्रेटेट कर दिया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए फिर ठीक है हाँ इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा ये आपसे नहीं है इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भी ना तो इसको आप पूरे को इग्नोर कर सकते हैं इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जितना मैंने बताया इसी में से आ जाएगा अगर आना होगा तो जो स्टेटमेंट है वो आप कट कर लोगे ओके डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया इसके साल हो गए से सबसे ज्यादा तीसरा आते हैं तो आज आपका अगला होमवर्क है पहले मैंने इमरजेंसी बोला था आपका दूसरा होमवर्क क्या है कि आप जाके अपने पंचायती राज राजस्टिट्यूशन और वाले चैप्टर को रिवाइज करोगे अर्बन लोकल बॉडीज को और पंचायती वाले को रिवाइज करोगे बहुत ही अब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली इस डेफिनेट क्वेश्चन आ सकता है देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और उसके बाद भी दस बारह मोर क्वेश्चन है जो मैं वाई पी पे में दे दूंगा मैं सारे यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि तो इससे इमेंस नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से राइट वन ऑफ़ द हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से हमेशा से आए हैं तो पंचायत वाले चैप्टर को और लोकल बॉडीज वाले चैप्टर को जाके एक बार दोबारा से रिवाइज करो आज ठीक है क्लियर चलो अब कुछ नहीं है सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ अमेडमेंट है सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट से पंचायती राज को कॉन्टीट्यूशनल पोजिशन मिलो सेवेंटी फोर्थ से अर्बन लोकल गवर्नमेंट को मिली सेवेंटी थर्ड अमेडमेंट से पार्ट नाइन्थ नाइन आया और सेवटी फोर्थ अमेडमेंट से नाइन्थ का ए आया सेवेंटी थर्ड अमेडमेंट जो है उसने एलेवन्थ शेड्यूल ऐड किया और सेवेंटी फोर्थ जो है उसने ट्वेल्थ शेड्यूल ऐड किया एलेवंथ शेड्यूल में ट्वेंटी नाइन आइटम्स है जिनपे पंचायत काम कर सकता है और ट्वेल्थ शेड्यूल में एट्टीन आइटम्स है जिनपे म्यूनिपलिटीज़ काम कर सकती है समझ में आ गई पूरा डिफरेंस समझ में आ गया दोबारा रिवाइज करूँ सेवेंटी थर्ड पंचायती राज पार्ट नाइन्थ इलेवें ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट्स सेवेंटी फोर्थ अर्बन लोकल गवर्नमेंट पार्ट नाइन्थ ए ट्वेल्थीन आइटम्स ठीक है क्लियर चले आगे बढ़े आगे ओके डन ये ना बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे लिखे हुए हैं जो पीआरआईस को स्ट्रेंथन करने के लिए लिए गए हैं मुझे लगता है कि आपको ये सब याद करने की जरूरत है ये बेसिक्स हैं ग्राम स्वराज अभियान ई ग्राम स्वराज पीपल्स प्लान कैंपेन बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड नेशनल फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज राइट ये सब चीज़ें हैं ये इनको स्ट्रेंथन करने के लिए ली गई है पी आर को इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपका मेन्स में काम आएगा एक चीज बस यहाँ पे पढ़ लो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये क्या करती है पंचायत की कैपेसिटी बिल्डिंग करती है ठीक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ध्यान से मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट पे कोई मिनिस्टर मिनिस्टर लिख लिख देगा देगा ये कुछ भी लिख देगा है ना स्किल विस्किल लिख देगा होम मिनिस्टर सबसे ज्यादा कॉमन चीज रहती है लिखना राइट right? तो नहीं ये हमें नहीं लिखना है वॉट इज इट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट फंक्शनरीज डन समझ में आ गया चले लेट मूव हेड इंपॉर्टेंट पंचायती राज कमिटीज़ कौन कौन सी है हमारे पास इट इज द बलवंत राय मेहता अशोक मेहता हनुमं था जी वी के राव एल एम सिंहवीर थन इनके नाम याद रख लेना अपने पंचायत का चैप्टर जब रिवाइज करोगे तो इनको एक बार देख भी लेना यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं दस बार बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी से अभी तो उसको तीस साल हो गए हैं तो और भी ज़्यादा चांसेस इसके बनने के राइट नाइनटीन नाइनटी टू नाइनटीन नाइन्टी थ्री के टाइम पर आया था ना ये तो इससे इसके चांसेज बढ़ जाते हैं सॉरी एक सेकेंड हाँ थर्टी एनिवर्सरी है ना ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में इसके तीस साल हो गए ना तो इसलिए इस इसमें क्वेश्चन इस बार आ सकता है दोबारा से तो प्लीज़ उसको पढ़ के रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बार के लिए ओके चलिए इसके फाइनेंसिस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये आर की रिपोर्ट आई थी जिसने बताया कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो फाइनेंसिस है वो काफ़ी खराब चल रहे हैं राइट आर्टिकल टू फोर्टी थ्री एच फाइनेंसिस ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है और वो ऑथोराइज करता है कि इसको फाइनेंसिस ऑफ पंचायत अगर आपको सिक्योर करनी है तो आपको स्टेट लेजिस्ट्रेचर का ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा वहीं से आपको ग्रांटी नेड मिलेगा कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ स्टेट से और आर्टिकल 243 आई क्या बोलता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए हर पाँच साल में और उसे बताना चाहिए कि कितना कैसा पैसा पंचायत को मिलेगा हालाँकि मिलता नहीं है ठीक है स्टेट फाइनेंस कमीशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है देखो यहाँ पे देखोगे आप यह आर्टिकल्स हैं एक सेकेंड रुको ये रहा ये आई है ना फाइनेंस कमीशन तो 243 आई के अंतर्गत आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए टू फोर्टी थ्री आई सेटिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन हालांकि बहुत सारे स्टेट्स ने आज तक भी कर नहीं रखा है लेकिन ये होना चाहिए यही बताएगा आपका ओके okay? चलो अच्छा सेंट्रल जो फाइनेंस कमीशन है वो भी मेजर्स रिकमेंड करेगा कि कैसे कॉन्स्टिट फंड ऑफ स्टेट और जो पंचायती रिसोर्सेज हैं उनको बेटर किया जा सके टू है ना टू फाइनेंस कमीशन 283 बी बी टू एट्टी थ्री बी बी पर्टिकुलर जो आर्टिकल है ये सेंट्रल के फाइनेंस कमीशन को बोलता है कि जाओ जाके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कैसे बेटर कर सकते हैं फाइनेशली वो बताओ ठीक है फिर पंचायती राज इंट्यूशन के क्या सोसेज होते हैं फाइनेंस के इंटरनल सोर्सेज होते हैं टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू वही है ना प्रॉपर्टी टैक्स ऑन लैंडस नॉन टैक्स रेवेन्यू मार्केट फीस कि भाई आप कोई यहाँ पे पशु बेच रहे हो कैटल्स बेच रहे हो तो उस पर कोई फीस रजिस्ट्रेशन फीस लगा दी ऐसी चीज़ें और टैक्स रेवेन्यू क्या होता है आप हर साल आप देखते होंगे कि हम लैंड टैक्स देते हैं राइट सर्विस टैक्स देते हैं बहुत चीजों का बिल्डिंग टैक्स देते हैं एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जितने भी टैक्स है तो वो सारा टैक्स रेवेन्यू में काउंट होता है फिर ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन तो ये कई कई तरीके के होते हैं एक होता है टाइड ग्रांट टाइड ग्रांट क्या होता है ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए आता है ना स्पेसिफिक पर्पज से टाई है बंधा हुआ है कि आपको सैनिटेशन इंप्रूव करना है उसके लिए ये पैसा ले लो तो आपको वही काम करना है अनटाइड ग्रांट कि ये पैसा आपको मिल गया आप अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से देख लो कि अच्छा आपको सैनिटेशन बहुत अच्छा कर लिया तो चलो अब आप देख लो आप इसको कहा खर्च करोगे तो ये अनटाइड ग्रांट है फिर परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट आपको हमने बोला कि आप अपने गाँव में इतना अपने पंचायत में इतना बढ़िया कर दो सैनिटेशन को इस लेवल पर ले आओ तो हम आपको ये वाला पैसा देंगे तो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट और फिर लास्ट होता है आपका स्पेशल कैटेगरी ग्रांट तो ऐसे करके चार तरीकों से पैसा आता है सेंटर से और स्टेट से टाइड ग्रांट अनटाइड ग्रांट परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट और स्पेशल कैटेगरी ग्रांट ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन ठीक है क्लियर हो गई बात बाकी कुछ और सोर्सेज भी है जैसे इंटरनेशनल बॉडीज वगैरह अगर कुछ ग्रांट्स दे तो वो वाले सोर्सेज भी होते हैं फिर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफर लोकल बॉडीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है जो कि इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू द गैजेट ऑफ इंडिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इंडिपेंडेंट बॉडी है कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है इसके पास राइट इट इज की कॉम्पोनेंट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस अथॉरिटी सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी है ना मिशन कर्मयोगी जो चल रहा है उसको यही इंप्लीमेंट कर रही है की कॉम्पोनेंट ओके मिशन कर्मयोगी का की कॉम्पोनेंट है ये बॉडी कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में क्योंकि वो और इट इज सर्विस बाय द डीओपीटी देन इसका पर्पज है क्रिएट क्रेडिबिलिटी एंड यूनिफॉर्म अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक चेयरपर्सन होते हैं दो मेंबर होते हैं ठीक है एक चेयरपर्सन दो मेंबर फिर इसके फंक्शन वगैरह तो नॉर्मल से ही है ये वाला जो पूरा काम है जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है जो एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान है जो मिनिस्ट्री ऑफ ये आपका क्या चला रही है महुआ है ना हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो ये चला रही है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के साथ मिलके के महुआ जो है वो आपका एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान चला रही है ये छह जगहों पे है हालांकि मुझे तो लगता नहीं है कि पूछेंगे लेकिन ताकि आपको फॉर्मो ना रहे इसलिए मैं बता देता हूँ अहमदाबाद भुवनेश्वर मैसूर राजकोट नागपुर और पुणे देखो आपको इसमें क्या याद रखना है कि ना तो ये मुंबई में है ना तो ये दिल्ली में है ना तो ये बेंगलोर में है इनमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा कैलकटा है ना ये चार चीज़ याद रख लो इन चार जगह तो नहीं है इसे आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद भुवनेश्वर मैसूर राजकोट नागपुर पुणे यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान चला रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर इन कोलैबोरेशन विद द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जिसके बारे में हमने देख लिया कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके पास अपनी खुद की कंप्लीट ऑटोनमी है ठीक है क्लियर हो गया सब कुछ चलिए बाकी ये सब इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है देखो तीन तरह की यू होती बीज हैं हालांकि आप सिवाइज करोगे करो भी एक नगर पंचायत होती है फिर म्यूनिपल काउंसिल होती है फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जैसे आप ये डेली वगैरह में देखोगे है ना फिर म्यूनिपिपल काउंसिल आपके आस जो भी छोटा सा शहर होगा वहाँ पे होगा नगर पंचायत जनरली हमारी खुद की होती है छोटे एरिया से लोग आए उनकी ठीक है बात समझ में आ गई तो ये है फिर पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट मैं बोल रहा हूँ एक बार पूरा पढ़ लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस बार झारखंड ने रूल्स दे दिए हैं पैसा के तो जो अब जो पैसा का जो कानून है वो दस स्टेट्स में लागू होना था ना टेन स्टेट्स में तो झारखंड में नहीं था तो झारखंड ने भी रूल्स इसके बना दिए हैं ठीक है पेस एम्प्लीकेशन के ड्राफ्ट रूल्स झारखंड ने अभी रिसेंटली बनाए हैं चलो ठीक है देखते हैं जो पैसा एक्ट था वो दिलीप सिंह भू कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था ये बताने के लिए कि जो पार्ट नाइन्थ है पार्ट नाइन्थ अभी हमने क्या देखा था पंचायत वाला जो पार्ट है है ना जो सेवेंटी अमेंडमेंट से आया था वो दस स्टेट्स के शेड्यूल एरियाज में अप्लाई होगा अंडर आर्टिकल टू ठीक है अंडर आर्टिकल टू फोर्टी फोर वन ये स्टेट लजिस्लेचर को एम्पावर करता है इसके रिगार्डिंग लॉ बनाने के लिए ये प्लीज़ याद रखिएगा यहाँ पे यू आपको ट्रैप करेगा वो बोलेगा कि गवर्नर लॉ बनाता है बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है बोलेगा पार्लियामेंट बनाता है नहीं स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है पैसा के इंप्लीमेंटेशन के रिगार्ड में ठीक है नाम से पता चल रहा है ना पैसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया पंचायत को कैसे शेड्यूल्ड एरियाज में एक्सटेंड करना है पंचायती कानून को कैसे शेड्यूल्ड एरियाज में एक्सटेंड करना है तो पैसा के कानून कौन बनेगा स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा ठीक है दस स्टेट हैं, मुझे लगता है कि आपको उनके नाम याद करने की जरूरत है यूपीएससी एस टी जनरली नहीं पूछता है बाकी पूछ ले तो क्या ही बोले देखो एट स्टेट्स ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया था झारखंड और ओडिशा ने नहीं किया था झारखंड ने भी रूल्स को पब्लिक कंसल्टेशन में डाल दिया इंप्लीमेंट नहीं हुआ है तो ओडिशा ने तो किया ही नहीं है ये ठीक है ओडिशा ने तो बनाया ही नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पैसा इन द स्टेट्स ठीक है पेसा के कानून बनाएगा कौन स्टेट गवर्नमेंट और उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज बात समझ में आ गई मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द नॉडल मिनिस्ट्री क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं देन ग्राम सभा को क्या क्या पावर मिलती है पैसे के अंतर्गत मैंडेटरी कंसल्टेशन किस मामले में लैंड एक्विजिशन के मामले में ठीक है फिर इंस्टीट्यूशन और फंक्शनरीज पे कंट्रोल कर सकते हैं लोकल प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए वाटर बॉडीज़ वगैरह को मैनेज करना माइनर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मैनेज करना ठीक है लिकर वगैरह का अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है उसको रेगुलेट करना है सेल और कंजम्शन को है ना विलेज मार्केट को अगर आपको रेगुलेट करना है तो इन सब चीज़ों के लिए ग्राम सभा के पास अथॉरिटी होती है रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन

रिजर्वेशन कितना है हर पंचायत में मिनिमम पचास परसेंट जो है वो रिजर्वेशन मिलता है ठीक है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोमोशन इन प्रोपोर्शन टू द कम्युनिटी पॉपुलेशन और जो ये आपके पैसा के अंतर्गत लगाए जाते हैं यहाँ पे चेयरपर्सन हर उसमें एक शेड्यूल ट्राइब का बंदा ही होता है वो रिजर्व है आपका ठीक है क्लियर देन फिफ्थ के जो शेड्यूल है पाँचवा छठा फिफ्थ एंड सिक्स इसमें डिफरेंस देख लो फिफ्थ आया था आर्टिकल टू फोर्टी फोर वन सिक्स टू फोर्टी फोर टू एंड टू सेवेंटी फाइव वन टू फोर्टी फोर वन यानी कि जो फिफ्थ शेड्यूल है वो अप्लाई करता है एडमिनिस्ट्रेटिव और शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट एक्सेप्ट एम एम टी ए ममता है ना ममता के अलावा हर जगह अप्लाई होता है फिफ्थ शेड्यूल हर स्टेट के शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल ट्राइब में ममता के अलावा ये अप्लाई होता है ममता में क्या जाएगा आपका मिजोरम मेघालय त्रिपुरा असम ममता मिजोरम मेघालय त्रिपुरा असम ठीक है ये जो चार स्टेट्स हैं ये सिक्स शेड्यूल में डील होती हैं ओके अब फिफ्थ शेड्यूल की जो काउंसिल होती है वो कौन बनाता है स्टेट लेजिटेचर बनाता है ठीक है और सिक्स शेड्यूल की तो स्टेट लेजिचर को बनाने की जरूरत नहीं है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसका नाम है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसका नाम ही है वो तो वो के अकॉर्डिंग आपकी काउंसिल बन जाती है देन ऑटोनोमी फिफ्थ शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास सिर्फ एडवाइजरी पावर्स है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नाम से पता चल रहा है ना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जबकि इसका नाम दूसरे का नाम क्या है सिक्स शेड्यूल वाले का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑटोनोमस काउंसिल तो उसके पास ओबियसली ज्यादा ऑटोनमी है वो सिर्फ एडवाइजरी नहीं है उसके पास ज्यादा पावर्स है क्लियर हो गया चलो उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पी वाले के ओके okay, सबसे पहला है एल यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन आगे ऑप्शन थे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है ना सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि अपने डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज कर दिया फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ इज टू इंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंशियल इसमें से क्या होगा नो फाइनेंशियल मोबिलेशन मोबिलाइजेशन नो ठीक है ध्यान रखना इसको पीपल पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर करना ही

फॉर डिटरमाइनिंग टैक्सीज एंड ड्यूटीज गिवन टू पंचायत इन अस्ट तो ओब्वियसली स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल आई वाला 243 आई वाला मैंने आज आपको दिखाया ही है ये फिर उसके बाद अमेंडमेंट अंडर विच पंचायत है ना किस कौन से अमेंडमेंट से पंचायत बना था तो सेवेंटी सेकंड सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ पंचायत बना था सेवेंटी थर्ड से और अर्बन लोकल बॉडीज बनी थी सेवेंटी फोर्थ से बहुत ध्यान से दिख रहा क्या लिखा है वहां पर अमर लोकल बॉडीज लिखा है पंचायत लिखा है पैसा के ऑब्जेक्टिव क्या है वॉट आर ऑफ पैसा सेल्फ गवर्नमेंट देना हाँ बिल्कुल जी ट्रेडिशनल राइट्स देना बिल्कुल जी फ्री ट्राइबल पीपल फॉर एक्सप्लोर्टेशन बिल्कुल लेकिन ऑटोनोमस रीजन्स क्रिएट करना नहीं हम ऑटोनोमस रीजन्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं हम ऑटोनोमस काउंसिल्स क्रिएट कर रहे हैं हम ऐसे नहीं बोलते रहे कि अब से आप एक ऑटोनोमस रीजन हो गए हो नहीं आपकी फंक्शनिंग हम बोल रहे हैं कि आप बिना स्टेट लेजिस्लेटर के इंटरफेरेंस की थोड़ी बहुत कर सकते हो तो हम आपको एक ऑटोनोमस काउंसिल बना रहे हैं लेकिन आपको एक ऑटोनोमस रीजन नहीं बना रहे हैं आप भारत के सोहब के अंदर ही रहोगे मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ द पंचायत पच्चीस साल है नहीं ये कितनी है इक्कीस साल है ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूशन पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिजोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड और फॉर कंप्लीट फाइव इयर्स ओनली फॉर रिमाइंडर पीरियड इसलिए सब पंचायत के चुनाव एक साथ ही होते हैं ठीक है जो पंचायत है अगर वो पाँच साल से पहले भी डिजोल्व हो जाती है तो भी वो सपोज करो किसी पंचायत के दो साल हुए थे और अब उसको डिजोल्व कर दिया गया है तो अब जो नई पंचायत अपॉइंट होगी वो कितने टाइम चलेगी इलेक्ट होगी वो कितने टाइम चलेगी वो अगले तीन साल ही चलेगी

कंसल्टेशन लिया जाता है ये स्टेटमेंट क्यों गलत है देखो ये बोल रहा है कि ग्राम सभा की पावर है कि वो मा, मिनरल माइनिंग लीजेज को ग्रांट करे नहीं वाइल ग्रांटिंग द मिनरल माइनिंग लीजेज द ग्राम सभा अंडर पेसा इज कंसल्टेड ये पेसा के अंडर ग्राम सभा की अथॉरिटी नहीं हो गई कि वो माइनिंग के लीजेज दे दे नहीं उसके साथ कंसल्टेशन किया जाएगा देने से पहले बस इतनी बात है प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए भी है ये सीएम चीज देने से पहले डिस्कशन किया जाएगा कंसल्टेशन किया जाएगा लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे मिनरल का लाइसेंसिंग देने के लिए ही पावर जो है वो ग्राम सभा के पास हो नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा उनसे कंसल्टेशन करना है हमें ठीक है कि भाई आपको सही लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए आपको कितना रिहेबिलिटेशन करवाना है कितना पैसा चाहिए काम दिलवाना है क्या एटसेकट्रा एटसेकट्रा एटसेट्रा ठीक है देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन तो राज्यसभा ने एक ओल्ड वुमेन पैनल बनाया है वाइस चेयरपर्सन का राज्यसभा में इंपॉर्टेंट नहीं है ये ठीक है वाइस इसमें एक चीज बस याद रखो मैं जो मैं आपको बताता हूँ देखो जो पैनल बनाया जाता है उसमें से कोई भी एक मेंबर प्रिसाइड कर सकता है ओवर द हाउस इन द एबसेंस ऑफ चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन सबसे पहले चेयरमैन आता है अगर चेयरमैन एबसेंट है तो डिप्यूटी चेयरमैन बैठ सकता है ठीक है प्रिसाइड करने के लिए अगर डिप्यूटी चेयरमैन भी जो है वो एबसेंट है तो जो पैनल बनाया हुआ था उस पैनल में से है ना उस पैनल में से किसी एक मेंबर को बोल सकते हैं आप प्रिसाइड करने के लिए प्लीज याद रखिएगा सिर्फ तब जब डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन एबसेंट हैं अगर वो वेकेंट हैं तो नहीं तो नहीं अगर वेकेंट हैं तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी एक मेंबर ऑफ द हाउस को आके चेयर करने के लिए अंतर क्या है एबसेंट और वेकेंट होने में एबसेंट होने का मतलब क्या है कि मान लो मेरी तबियत खराब है मैं एबसेंट हूँ आज मैं आया नहीं मेरी छुट्टी ले ली ये एबसेंट होना वेकेंट होने का मतलब क्या है कि मान लो निधन हो जाए अब वो एबसेंसी नहीं है वो वैकेंसी है है ना वैकेंसी क्रिएट हो गई तो यहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे मेंबर ऑफ द हाउस को यहाँ पे वाइस ये जो आपका पैनल है ये नहीं बैठेगा आके क्लियर हो गई बात चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन पैनल पैनल सिर्फ तब बैठेगा जब वो एबसेंट है वेकेंट पे नहीं वेकेंट पे प्रेजिडेंट 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 प्लीज नोट दिस प्रेजिडेंट विल अपॉइंट अ मेंबर ऑफ द हाउस टू कम एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ठीक है समझ में आ गई बात ये याद रखना बहुत जरूरी है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे मिस्टेक कराता है कमीशन ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे आपके मार्क्स जाता है फिर ये तो हाँ फिर यह देख लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई स्पेशल सेशन नाम का टर्म मेंशन नहीं है हालांकि अगर किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे किसी सेशन को बुलाया जाता है तो उसको स्पेशल सेशन बोल देते हैं ठीक है स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट करके बोल देते हैं हालांकि दिस इज नॉट इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ पार्लियामेंट

पार्लियामेंट मीट्स फॉर थ्री सेशन इन अयर ठीक है हालांकि बुला सकते हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है आपकी देन नेक्स्ट आपका इम्यूनिटी फॉर प्रेजिडेंट तो प्रेजिडेंट और गवर्नर इन सबको कुछ कुछ इम्यूनिटीज मिलती है आर्टिकल थ्री सिक्सटी वन बोलता है प्रोटेक्शन टू द प्रेजिडेंट एंड गवर्नर राइट प्रेजिडेंट एंड गर एंड कोर्ट की स्क्रूटनी से फॉर दशन एंड ड्यूटीज इन ऑफिस राइट तो इसलिए जो प्रेसिडेंट का कंडक्ट है उसको सिर्फ कोई हाउस दे सक पार्लियामेंट का हाउस देख सकता है या फिर पार्लियामेंट का हाउस किसी कोर्ट को अगर बोलेगा कि आप देख सकते हो तो देखा जा सकता है राइट उसके बिना जो प्रेजिडेंट है उनके पास कम्प्लीट ऑटोमी कम्प्लीट इम्यूनिटी होती है इस चीज़ से तो उनको कोई यहाँ पे चक्कर झेलने की जरूरत नहीं है फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है एडजॉर्मेंट मोशन भी उसी की तरह है अगर कोई एकदम से अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर आता है तो आप स्पीकर का कंसेंट लेकर उसको पास कर सकते हैं अगर पचास मेंबर का सपोर्ट है तो पचास मेंबर का सपोर्ट हमने और कहाँ देखा था वी सॉ इट इन द नो कॉन्फिडेंस मोशन ठीक है यहाँ पे राज्यसभा को कोई परमिट नहीं है डिवाइस का यूज़ करने के लिए जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो राज्यसभा में मूव मूव नहीं हो सकता ऐसे ही जो आपका एडजोर्मेंट मोशन है ये भी राज्यसभा इसको यूज नहीं कर सकती क्यों क्योंकि एडमेंट मोशन में कहीं कही ना कहीं गवर्नमेंट की सेंसरिंग हुई और गवर्नमेंट सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए लोक बात समझ में आ गई ठीक है अगर एक बार ये पास हो जाता है मतलब एक बार ये डिस्कशन के लिए उठा ले जाता है तो कम से कम ढाई घंटे पर डिस्कशन चले गए चले गई बात पक्की है चाहे कुछ भी डिस्कस करो लेकिन बैठ के आपको ढाई घंटे पर डिस्कस करना ही पड़ेगा टू और थर्टी टाइम दैट मस्ट इट मस्ट बी डिस्कस फॉर ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है आपका सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये यूपीए से ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है कि सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की कमेटी के बारे में देखो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जब आप अपने से किसी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को अपनी लेजिस्लेटिव पावर दे दो उसको बोलते हैं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के केस में ये जो पावर है रूल मेकिंग रेगुलेशन की बाय लॉज बनाने की ये सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को दी जाती है वो अथॉरिटी जनरली कौन होता है एग्जीक्यूटिव ठीक है उसको दी जाती है कि आप ये काम कर सकते हो ठीक है ये एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए दी जाती है कि इतना टाइम लिमिट है इतने के लिए अंदर ही आप ये पर्टिकुलर चीज़ अप्लाई कर सकते हो इसमें आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है थोड़ा टेक्नोक्राइट्स की बातें सुनने को मिल जाती है जिसका टाइम पार्लियामेंट के पास नहीं होता है ठीक है फिर कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है इसी के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था दो में शायद ओके क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी ब्रीच वगैरह तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये हमने देख लिया सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट अभी देखा था ये अर्बन लोकल बॉडीज़ में कोटा टू बैकवर्ड क्लासेस ये भी उतना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये इम्पॉर्टेंट है फिर मेंस के देख लिए देखिए इसमें ये देख लीजिए एक ट्रिपल टेस्ट कंडीशन है अगर ओ को लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देना है तो तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए पहला एक डेडिकेटेड कमीशन सेटअप करना करा जाना चाहिए दैट विल क्रिएट दैट विल डू अ इंक्वायरी A to see की कैसी बैकवर्डनेस फिर उसके बेसिस पे प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन डिसाइड होगा कितना रिजर्वेशन दिया रिजर्वेशन है वो सारा मिला के एस सी एस टी ओबीसी रिजर्वेशन मिला के, नहीं करना चाहिए अगर ये तीन कंडीशनफिल होती है तो अर्बन लोकल बॉडीज में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है ये उत्तर प्रदेश में शायद हुआ था लास्ट पंचायती इलेक्शन में तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्लियर आगे बात समझ चले आगे चलिए अब आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन रोल ऑफ़ गवर्नर ठीक है गवर्नर पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह पीरियड ऑफ टाइम आए हैं उनको हम देखेंगे फटाफट एक बार देख लेते हैं आर्टिकल टू हंड्रेड एसेंट ऑफ द गवर्नर इज नेसेसरी फॉर अ बिल टू बिकम अ लॉ आर्टिकल टू हंड्रेड कहता है कि गवर्नर का एसेंट आपको लेना जरूरी ही ज़रूरी है तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं अपना एसेंट अगर गवर्नर ने दे दिया तो बिल लॉ बन जाएगा अगर गवर्नर ने अपना एसेंट विदहोल्ड कर लिया तो बिल जो है वो लॉ नहीं बनेगा अगर गवर्नर रिटर्न कर दिया और अब स्टेट लेजिचर जो है वो वापस से पास कर देगा तो अब गवर्नर को पास करना ही करना पड़ेगा ठीक है समझ में आ गया देखो ये पढ़ो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर टू रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन इट ओनली इनसिस ऑन एज सुन एज पॉसिबल है ना तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं लिखा है कि रिकनसिडरेशन को आप कितने दिन में आपको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजना है तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो जाता है ऐसे हैंगिंग में रखने वाली बात हो जाती है, है ना तो रिकंसिडरेशन के लिए अगर भेज दिया और फिर स्टेट लेजिस्टेशन उसको दोबारा पास करके भेजता है तो अब गवर्नर को उसको पास करने ही करना पड़ेगा अब गवर्नर ये नहीं कह सकते प्लीज़ नोट दिस डाउन अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर रिकन्सिडर होकर बिल दोबारा आ गया तो अब गवर्नर उसे पास करेंगे ही करेंगे अब वो वे नहीं कह सकते कि मैं इसको प्रेजिडेंट के उसके लिए रखता हूँ रेफरेंस के लिए रखता हूँ नहीं अगर रिकन्सिडर होकर बिल आया है तो अब गवर्नर को पास करना ही करना पड़ेगा ठीक है लास्टली इट कैन बी it can keep the governor can reserve the bill for the consideration of the president the governor can keep the bill for the consideration of the president ठीक क्लियर बात समझ में आ गई ये है आपकी चीजें कौन सा रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एक पर्टिकुलर बिल है जो कि अगर कोई भी जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो हाई कोर्ट की पावर को डेरोगेट करना चाहता है कम करना चाहता है तो ऐसे बिल को प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए रखा ही रखा जाता है इसके बाद इसके बारे में और पढ़ लेते हैं रिजर्विंग बिल फॉर प्रेजीडेंट आर्टिकल टू जीरो के पास अगर बिल आया तो प्रेजिडेंट कैन ईदर गिव और है ना या फिर गवर्नर को बोल सकते हैं कि ये बिल आप अब स्टेट को वापस भेज दो अगर वो दोबारा से रियनेक्ट होके आ जाता है तो इट विल बी प्रेजेंटेड अगेन टू तो द प्रेजिडेंट ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको प्लीज याद रख लो देखो यहाँ पे क्या है अगर प्रेसिडेंट ने बोला गवर्नर को कि ये बिल अब स्टेट लजिस्टर को दोबारा भेजो ये मेरी बातें हैं ये उनको बता दो कि ये मेरा मैसेज है ये उनको दे दो राइट और ये बिल दोबारा से स्टेट लजिस्टर को भेज दो अगर प्रेसिडेंट ने ये बोला आप गवर्नर वो जो बिल है उसको उठा के दोबारा स्टेट लजस्टर को भेजेंगे कि आप ये वाला बिल अब दोबारा देख लो अगर अब स्टेट लजिस्ट्रेटर ने दोबारा से उसको रीअनेक्ट कर दिया अमेंडमेंट की हो या ना की हो वो दोबारा प्रेजिडेंट के पास आएगा ही आएगा क्लियर बात समझ में आ गई दोबारा से वो प्रेजिडेंट के पास आएगा ही आएगा तो रिजर्विंग बिल फॉर प्रेजिडेंट इज़ अंडर आर्टिकल 201 और इसके अंदर ये आपका पर्टिकुलर प्रोविजन है आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला था कि अगर दोबारा बिल पास होकर आता है अगर गवर्नर ने रिकंसीडरेशन के लिए भेजा है डायरेक्टली प्रेसिडेंट के कहने पे नहीं अगर गवर्नर ने प्लीज इसको डिफरेंस से मतलब मैं लिख के समझा देता हूं देखो गवर्नर ये स्टेट लेजिस्लेचर लेच ये गवर्नर ये प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्टर ने गवर्नर के पास एक बिल भेजा गवर्नर ने इसको वापस कर दिया रिकनसिडरेशन के लिए अब स्टेट लेजिटर ने वापस गवर्नर को भेज दिया तो अब गवर्नर को पास करना ही करना पड़ेगा अब गवर्नर ये नहीं कह सकता इस वाली कंडीशन के बाद कि मैं इस बिल को प्रेजिडेंट के लिए रख रहा हूँ नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं होगा अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई गवर्नर को बिल भेजा और गवर्नर को लगा कि ये बिल जो है वो प्रेसिडेंट के उस, उसके लिए जाना चाहिए रेफरेंस के लिए जाना चाहिए तो गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए भेज देंगे अब प्रेसिडेंट ने गवर्नर को वापस वो बिल भेजा कि ये मेरा मैसेज है ये मैसेज स्टेट लेजिस्ट्रेटर को पास कर दो तो स्टेट लेजिस्टर के पास वो बिल वापस चला जाएगा अब स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगा उस बिल में दोबारा से चेंजेस करे ना करे वो बिल को दोबारा गवर्नर को भेजेगा तो अब गवर्नर के लिए कंपलसरी है कि इस बिल को दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए दिखाने के लिए कि सर मैम ये देखो आपने ये वाले चेंजेस बोले थे स्टेट लेजिस्लेचर को अपने बिल में करने के लिए और उनका ये रिप्लाई है तो अब आप देख लो आपको क्या करना है आई होप बात बिल्कुल क्लियर हो गई है सारी की सारी ठीक है चले आगे बढ़े आगे ओके okay, गवर्नर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ज द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट इन स्ट्स इन स्टेट स्टेट के अंदर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में सबसे टॉपिक कौन आता है गवर्नर कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल वन फिफ्टी फाइव देखना चाहते हो अगर तो यहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल 153 कहता है कि गवर्नर होना चाहिए आर्टिकल 154 कहता है कि स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के अंडर लाई करती है आर्टिकल 155 कहता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे आर्टिकल 161 गवर्नर को पावर देता है पार्डन और रिप्रीव की आर्टिकल 163 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा चीफ मिनिस्टर होगा जो एड और एडवाइस करेगा गवर्नर को डिस्क्रिशन के अलावा डिस्क्रिशन में उसको एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं है 164 है जो कहता है कि गवर्नर अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर्स को और बाकी मिनिस्टर्स को 213 है जिसके अंदर अभी हमने पढ़ा था वन टू है ना ऑर्डिनेंस वाला और 217 है जहां पे गवर्नर इज कंसल्टेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट गवर्नर इज कंसल्टेड फॉर द जजेस ऑफ द फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ठीक है अभी वाली चीज़ क्लियर हो गई है बिल्कुल तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था आर्टिकल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज आर्टिकल 155 फिफ्टी फाइव ओके देन गवर्नर शुड बी फ्राम आउटसाइड द स्टेट ऐसा सरकार कमीशन ने बोला था यह क्वेश्चन आया था नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज और हज टर्म ऑफ ऑफिस टर्म ऑफ ऑफिस के टाइम पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है किसी गवर्नर के अगेंस्ट बिल्कुल सही बात है दिस अ कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट देन इम्बॉलीमेंट ऑफ द गवर्नर शेल नॉट बी डिमिनेज ड्यूरिंग हिज ऑफिस ये बात भी बिल्कुल सही है जिस टाइम गवर्नर ऑफिस में है उस टाइम आपको ये नहीं बोल सकते हम तुम्हारी सैलरी कम कर रहे हैं राइट right? ऐसा नहीं हो सकता है देन डिस्क्रिप्शनरी पावर ऑफ गवर्नर कौन-कौन है yes, ये एक है। अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स yes, नहीं क्योंकि ये chief minister की बात माननी पड़ती है इसमें मेकिंग रूल्स टू कंडक्ट बिजनेस नहीं ये डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है डिस्क्रिशनरी पावर क्या है दो मेजरली है प्रेजिडेंट को रिपोर्ट भेजना और रिजर्व रिजर्व करना कुछ बिल्स प्रेसिडेंट के लिए ये उसका डिस्क्रिप्शन है ये कहीं डिफाइंड नहीं है कि ऐसे ऐसे करना है वैसे वैसे करना है फिर ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने गवर्नर ऑफ पंजाब इज कनकरेंट कनकरेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ ये बात बिल्कुल सही है जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है और जो केरला के गवर्नर होते हैं क्या वो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं नहीं तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है ये वाला स्टेटमेंट सही है देखो इतने पहले से मैं आपको ये वाली चीज़ समझाता आ रहा हूँ कि अगर दो बिल्कुल एक जैसे स्टेटमेंट बनाए हो ये एज इट इज ट्वेंटी में लागू होगा प्रेजेंशियल इलेक्शन वाले क्वेश्चन में एज इट इज ठीक है जब पढ़ाऊंगा ट्वेंटी तो ट्वेंटी थ्री का पेपर तो बताऊंगा फिर गवर्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम टर्म गवर्नर नहीं रिमूव कर सकते आप उसके टर्म कंप्लीशन से पहले गलत स्टेटमेंट नो गवर्नर कैन कॉन्टिन्यू बियॉन्ड फाइव ईयर्स गलत स्टेटमेंट ठीक है गवर्नर मेक्स कस्टमरी एड्रेस एट फर्स्ट सेशन एट द कमेंसमेंट करेक्ट स्टेटमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी कैसे बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दिया गया कि नहीं दिया गया है ओके कस्टमरी एड्रेस है पहले सेशन के कमेंसमेंट पे दिया जाता है आप मुझे बताओ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है कि नहीं है जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें पूछ रहा हूँ इन पे तो रिसर्च कर करो तो जाकर सर्च करो मेरे को बताओ कॉमेंट्स में वापस आके ऐसे नहीं कि ऐसे मान लिया कि हाँ हाँ ठीक है हो गया नहीं फिर ये चार स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन सा करेक्ट है पहला है इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट्स ऐसा नहीं है कर सकते हैं हम द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट जैसे द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट बताओ स्टेटमेंट में क्या गलती है जजेज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई गवर्नर बताओ जरा इसमें क्या गलती है ठीक है नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर ये बात बिल्कुल सही है वो प्रेजिडेंट के हैंड और सील के अंतर्गत वहाँ पर बैठते हैं उसके अंदर वहाँ पर बैठते हैं और प्रेजिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं ये बात बिल्कुल जायज़ है बिल्कुल सही है ठीक है उसके कोई ग्राउंड नहीं दे रखे उसके कोई रूल्स नहीं दे रखे हैं चलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ से कुछ नहीं आएगा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर से ये पूरा का पूरा आपका मेंस का टॉपिक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इसका मतलब बस वही होता है कि स्टेट्स और सेंटर मिलकर साथ में काम करें वही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चलो आगे बढ़ते हैं इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट यहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जरिस्टिक्शन है आर्टिकल 131 के अंतर्गत कैसे डिस्प्यूट सुलझाने के लिए अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है स्टेट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है मल्टीपल स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है मल्टीपल स्टेट वर्स मल्टीपल स्टेट कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो बेसिकली सेंटर और स्टेट जिस भी डिस्प्यूट में पार्टीज हैं आपस में उन सब के रिगार्डिंग ओरिजिनल रेजिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 131 ये बात आपको इसमें याद रखनी है बाकी पे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा एक इंटरस्टेट काउंसिल है आर्टिकल 263 के अंतर्गत प्रेसिडेंट इंटरस्टेट काउंसिल को सेटअप करते हैं बहुत ध्यान से सुनिए प्रेजिडेंट है ना जब आप रिवर वोटर में पढ़ेंगे तो वहाँ प्रेजिडेंट नहीं पढ़ेंगे वहाँ पार्लियामेंट पढ़ेंगे यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे प्रेजिडेंट द प्रेजिडेंट से इंटरस्टेट काउंसिल ठीक है जोनल काउंसिल किससे सेटेब्लिश हुई थी स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट से जोनल काउंसिल की किससे स्टेबलिश हुई थी स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में इनका रोल एडवाइजरी है ठीक है अभी आप जाके एक बार इंटरस्टेट काउंसिल के रिगार्डिंग क्या पढ़ेंगे कि इसके चेयरपर्सन कौन है और इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है और इसका जो रोल है वो रिकमेंडरी है या फिर ये जो बताता है वो कंपलसरी है मैंडेटरी है इम्प्लीमेंट करना ये चीज जाके आप चीज़ें इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे चलो आगे बढ़ते हैं जोनल काउंसिल जिसकी बात हम अभी कर रहे थे यहाँ पे वो उसके चेयरपर्सन कौन है यूनियन होम मिनिस्टर कैंटर स्टेट काउंसिल के, के चेयरपर्सन भी यूनियन होम मिनिस्टर हैं बताइएगा फटाफट से ठीक है फिर पाँच जोनल काउंसिल है अभी हमारी नॉर्दर्न सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न सदर ठीक है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में हरियाणा हिमाचल जम्मू पंजाब राजस्थान दिल्ली चंडीगढ़ ये सब बातें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है बट पाँच जोनल काउंसिल्स हैं ओके ये आपको यहाँ पर याद रखना है चले आगे बढ़े इसमें ना देखो एक चीज़ आपको दिखेगा कि इसमें नॉर्थ ईस्ट वाली जोनल काउंसिल नहीं है है ना तो मुझे बताना क्यों नहीं है ठीक है नॉर्थ ईस्ट वाली जोनल काउंसिल नॉर्थ ईस्ट वाली काउंसिल इसमें नहीं है मुझे बताना क्यों नहीं है देखते हैं आपने कितने अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़ी है नेक्स्ट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट तो अभी कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो कृष्णा के भी आप ट्रिब्यूटरीज वगैरह पढ़ के आओगे कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से स्टेट से निकलती हैं कहाँ से ओरिजिन होती है ये सब अभी आप पढ़ के आओगे ठीक है क्यों पढ़ के हो गया आप क्योंकि कृष्णा इस बार इंपॉर्टेंट है तो अगर आपके पास अभी आपको नहीं पता है तो मैपिंग की सीरीज में हमने पूरा इंडिया कवर कराया है पूरी इंडिया की जोग्राफी और एनवायरमेंट की मैपिंग कवर कराई है सिर्फ तीन घंटे में चैनल पर ही है वो जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट इट और आपको समझ में आ जाएगी पूरी मैपिंग ठीक है तो कृष्णा की ट्रिब्यूटी डिस्ट्रीब्यूटी प्रोटेक्टेड एरियाज ये सब आप देख के आना क्लियर चलो फिर आगे बढ़ते हैं हाँ, ये मैं बोल रहा था आपको शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के अंदर वोटर के रिगार्डिंग एक एंट्री है लेकिन इंटर स्टेट रिवर्स के रिगार्डिंग जो एंट्री है वो यूनियन लिस्ट में है तो इंटर स्टेट रिवर पे जो भी काम बनेगा वो यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा पार्लियामेंट उसको करेगा इसीलिए आर्टिकल टू में क्या लिखा है पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड फॉर एजुकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू द यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स ठीक है पार्लियामेंट कानून बनाएगा इंटरस्टेट रिवर्स के डिस्प्यूट के लिए मैनेजमेंट के लिए सब चीज़ों के लिए कौन बनाएगा कानून पार्लियामेंट कानून बनाएगा और इसी के चलते पार्लियामेंट ने दो कानून बनाए हैं इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट और रिवर बोर्ड एक्ट इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट एक्ट और रिवर बोर्ड एक्ट क्लियर समझ में आ गया इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आके कह सकते हैं कि ये भाई एक इशू चल रहा है हमारा वोटर का ये आप इसके रिगार्डिंग को ट्रिब्यूनल बना दो इसको रेफर कर दो ट्रिब्यूनल को एंड रिवर बोर्ड एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिवर बोर्ड इस्टेब्लिश कर सकते हैं सेटअप कर सकती है प्लीज़ नोट डाउन कौन सेटअप कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने कानून बना दिया अब सेटअप करेगी गवर्नमेंट पार्लियामेंट नहीं प्रेजिडेंट नहीं गवर्नमेंट रिवर बोर्ड एक्ट के अंतर्गत रिवर बोर्ड कौन स्टैब्लिश करेगा कौन सेटअप करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं चीज़ों में डाउट आते हैं सबसे ज़्यादा ठीक है आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है दो दो कानून बने इंटरस्ट वाटर डिस्प्यूट एक्ट और रिवर बोर्ड एक्ट इंटरस्ट वाटर डिस्प्यूट एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट आके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप ट्रिब्यूनल के पास हमारा मैटर भेज दो और रिवर बोर्ड एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिवर बोर्ड एक्ट के स्टेबलिशमेंट करती है सेटअप करती है ठीक है देन आर्टिकल टू से के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिवर वाटर डिस्प्यूट्स नहीं देख सकती इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट नहीं देख सकती हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो मतलब वो है ही स्मार्ट है ही तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हम आर्टिकल 136 के अंतर्गत किसी ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अगर कोई अपील आती है तो वो देख सकते हैं तो अब क्या होता है कि बनाया गया था ये सब इसलिए ताकि जो ट्रिब्यूनल है वो जल्दी जल्दी इसका काम खत्म करे वोटर डिस्प्यूट का लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर हम अपील लेंगे तो अब कोई भी स्टेट आके उस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज कर देती है और वो सालों साल सालों साल लटका रहता है तो ये लॉकजाम क्रिएट हो गया है ठीक है ये मैं आपको बोल रहा था यूनियन लिस्ट एंट्री फिफ्टी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज की डेवलपमेंट के लिए जो लिस्ट में एंट्री है वो यूनियन लिस्ट में है फिर ये आपको दो वर्ड्स याद रखने हैं हेल सिंह रूल्स और आई एल ए रूल्स कंसोल्टन ऑफ आई एल ए रूल्स ठीक है ये आपके किस चीज़ के रिगार्डिंग है वोटर शेयरिंग के रिगार्डिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या फिर इंटरनेशनल रूल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ठीक है तो आपको याद रखना है डायरेक्टली पूछ लेगा हेल सिंह के रूल्स कोमा आएल्स है फिर हेन सिंह के रूल्स कोमा जो ये नाम है चैम्पियन कैम्पियन जो भी है ये रूल जो है किसके रिगार्डिंग है है ना नीचे दे देगा एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग चाइल्ड के रिगार्डिंग नहीं ये किसके रिगार्डिंग है वोटर शेयरिंग के रिगार्डिंग है तो आपको ये दो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है चलिए फिर अपना फोर्थ टॉपिक है आज आपका जुडिशल अपॉइंटमेंट जुडिशल अपॉइंटमेंट कैसे होता है इंडिया में कॉलेजियम के थ्रू होता है आर्टिकल वन एंड टू सुप्रीम कोर्ट का वन और हाई कोर्ट का टू ठीक है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में कौन कौन बैठता है सीजीआई और चार सीनियर मोस्ट जजेस हाई कोर्ट के कॉलेज में कौन कौन बैठता है चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट और दो जजेस ओके सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम कॉलेजियम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हाई कोर्ट देखो अगर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट आना है तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सीजीआई प्लस चार जजेस अगर हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट आना है तो सीजीआई प्लस दो जजेस बात समझ में आ गई और हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के टाइम पे हाई कोर्ट के कोलेजियम से भी व्यूज मांगे जाते हैं उस कोलेजियम में कौन बैठता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो सीनियर मोस्ट जस्टिस पूरा क्लियर हो गया मैं एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ ताकि आपको एकदम ये क्लैरिटी मिल जाए इस चीज पे देखो सबसे पहले ये है आपका हाई कोर्ट का कोलेजियम

तो यहाँ पे भी चार यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी दो क्लियर एब्सोल्युटली क्लियर कैसे होता है अपॉइंटमेंट कितने कितने लोग बैठते हैं चलो आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट कैन गेट एन इंक्वायरी कंडक्टेड तो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये मैंने बताया दिया आपको सुप्रीम कोर्ट जज शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेजिडेंट हाँ तो कौन अपॉइंट करेगा प्रेजिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एंड द हाई कोर्ट प्रेजिडेंट में नेसेसरी अब ये प्रेजिडेंट में डीम नेसेसरी यहाँ पे लिखा है लेकिन एक्चुअली कॉलेजियम को कंसल्ट करना पड़ता है कंसल्ट भी क्या है कॉलेजियम जो बोलता है फिर गवर्नमेंट उस पर अप्रूवल करते हैं वो सब चीज़ें होती है वो हमेशा डिस्प्यूट चल रहेगा इनका यहाँ से आपको याद रखना है कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको कौन अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है नाव यही था जो स्टेटमेंट में एरर था उसमें हाई कोर्ट जज शैल ऑल्सो भी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट उसने क्या बोल दिया था वहां हाई कोर्ट का जज जो है वो गवर्नर अपॉइंट करता है चलो मैं नहीं दे दिया आपको आंसर है ना हाई कोर्ट का जज को कौन अपॉइंट करते हैं प्रेजिडेंट करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद वही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एंड गवर्नर ऑफ स्टेट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एंड गवर्नर ऑफ स्टेट तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम किसको कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट कॉलेजियम को हाई कोर्ट कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम मिलकर नाम भेजेंगे उसके साथ गवर्नर का जो है वो कंसल्टेशन दिया जाएगा और फाइनली प्रेजिडेंट अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट के जजेस को ठीक है भाई एब्सोल्युटली क्लियर हो गई ये वाली बात चलिए अब आगे चलिए ये सब आपसे नहीं पूछ जाएंगे है ना फर्स्ट जजिस केस सेकेंड जजिस केस थर्ड जजिस केस ये सब चीज़ आपसे नहीं पूछ जाएंगी तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है टेंशन मत लो जितना रिक्वायर है उतना ही पढ़ो जितना मैं बता रहा हूँ इसमें उतना इनफ है आपके लिए ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज आर्टिकल थ्री वन टू हालांकि अभी तक भी ये इंप्लीमेंटेड नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता अच्छा लोअर जुडिशियर में कैसे रिक्रूटमेंट होते हैं आर्टिकल टू थ्री थ्री एंड टू थ्री फोर दो सौ तैतीस दो सौ चौतीस जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करती है ये जो डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट है ये पी सी एस जे के एग्जाम से होते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विस जुडिशियल एग्जाम जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराते हैं हर स्टेट में तो राजस्थान का अलग पीसीएस जी होगा यूपी का अलग पीसीएस जी होगा प्रदेश का अलग पीसीएस जी होगा ऐसे करके हर स्टेट के अपने पी सी एस जे के एग्जाम्स होते हैं क्लियर बात समझ में आ गई चलिए फिर आगे बढ़ते हैं लीगल एड लेट्स कम टू लीगल एड तो देखो लीगल एड कुछ नहीं है लीगल एड क्या है कि भाई अगर आप अपना केस वेस नहीं लड़ सकते अगर आपको लीगल uh, फीस नहीं पे कर सकते हैं तो स्टेट के मतलब जिम्मेदारी बनती है कि आपको लीगल एड दी जाए तो उसके तहत सबसे जो मेन बॉडी है वो आपकी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत बनी थी तो इसलिए क्या है एक स्टैचरी बॉडी है ये ठीक है फिर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उसके पैटर्न इन चीफ है और कोई भी एक सर्विंग या रिटायर्ड जज जो है वो उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं और जस्टिस ऑफ इंडिया इसके पैटर्न इन चीफ है इसके फंक्शन कैट प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑब्वियसलीन इसमें विमेन, चिल्ड्रेन शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब वर्कमैन है ना जो लेबर क्लास है ये सब आके अपने लिटिगेशन करवा सकते हैं साथ साथ अगर किसी की एनअल इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट के कम है वो लिमिट कौन डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट वो एक लाख हो सकती है पांच लाख हो सकती है कुछ भी हो सकती है वो लिमिट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अगर आपकी इनकम उससे कम है तो भी आप एक एलिजिबल लिटिगेंट हैं अंडर Under the Legal ठीक है? ये आपको बताया नेशनल लेवल पे नालसा स्टेट लेवल पे सालसा और लास्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डालसा तो नालसा डालसा लोक अदालत इज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेजम दर डिस्प्यूट पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लोर स्टेट आर सेटल्ड तो इसी लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो एक्ट है इसी के अंदर आपकी लोक अदालत भी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और इसी काम के लिए कि भाई डिस्प्यूट वगैरह का रिजोल्यूशन कर सके सबको बैठा के शांति से राइट right? फिर एक सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी है ये सुप्रीम कोर्ट ने एल एस एक्ट के अंतर्गत ही बनाई थी है ना एल एस एक्ट कौन सा है यही वाला आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट तो ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी वॉज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एल एस एक्ट ऑफ नाइनटीन एटी सेवन इसके पैटर्न इन चीफ ऑब्वियसली ऑफ इंडिया मेंबर वही चेयरमैन कोई सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा और नो no मेंबर होंगे इसमें जिनको सीजीआई अपॉइंट करेंगे फ्री लीगल सर्विस देने के लिए है अंडर प्रिवेज को, को इस पे नहीं आया तक, इस पे आ सकता है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एल एस लीगल एवन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरमैन जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के अभी के सिटिंग जज होंगे प्लस नाइन मेंबर जिनको सी जी अपॉइंट करेंगे तो टोटल दस मेंबर हो गए और पेटन इन चीफ हो गए सी जी बात समझ में आ गई चलिए बाकी एक कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं ये सब जनरली पूछे नहीं जाते हैं सब चीज़ें है ना, न्याय बंधु टेली लॉ न्याय मित्र तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं है ये सब चीज़ें वही है कि आपको लीगल एड किस तरीके से दिलाई जाए आर्टिकल आर्टिकल क्या क्या कहता है? है। फ्री लीगल प्रोवाइड करना स्टेट की ड्यूटी और वो हमने अभी आपको जो पढ़ाया तो पढ़ाया था कि भाई हर इंसान के पास राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन है ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं जजमेंट तो आपसे इसमें नहीं पूछे जाएंगे मीडिएशन एक्ट पे आते हैं मीडिएशन एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी

तो यहाँ पे न्यूट्रल थर्ड पार्टी कम्युनिकेट करती है ठीक है फिर आपका आर्बिट्रेशन है यहाँ पे एक न्यूट्रल आर्बिटर बैठता है फिर आपका कोलैबोरेटिव लॉ है तो यहाँ पे कोलैबोरेटिव अटर्नी बैठता है फिर आपका मीडिएशन है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोसेस है इसको अभी देखेंगे हम डिटेल में नेगोशिएशन ये दो पार्टीज के बीच में हो जाता है कोई थर्ड पार्टी नहीं नहीं बैठती है तो इसमें ये याद रखना है आपको कंसीलेशन में थर्ड पार्टी बैठती है नेगोशिएशन में थर्ड पार्टी नहीं बैठती है आर्बिट्रेशन में एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर बैठता है कोलैबोरेटिव लॉ में कोलैबोरेटिव अटर्नी बैठता है और मीडिएशन

देन मेडियशन का डेफिनेशन क्या है इट इंक्लूड्स एक्सप्रेशन मीडिएशन प्रीलिटिगेशन मेडिशन बहुत तरह की इसकी सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से कुछ आपसे अलग से नहीं पूछा जाएगा मेडिशन एक्ट से देखो इसमें बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं सिविल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए ये सब चल सकता है अच्छा किन चीज़ों में नहीं चलेगा ये वो विच डिस्प्यूट्स आर नॉट फिट फॉर लिटिगेशन अगर वो उसमें माइनर के खिलाफ कुछ हुआ है किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के खिलाफ कुछ हुआ है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगर है ठीक है तो ऐसे केसेस में और थर्ड पार्टी का अगर कोई राइट right इफेक्ट हो रहा है ना हम दोनों से अलग कोई थर्ड पार्टी का राइट right इफेक्ट हो रहा है तो ऐसे केसेस में मेडियशन आपका काम नहीं करेगा चाइल्ड अनसाउंड माइंड थर्ड पार्टी एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बात समझ में आ गई ये चीज़ें फिट फॉर मीडिएशन नहीं है ऐसा मेडिशन एक बोलता है ये वाली लिस्ट ही इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आ जाएगा इसके अलावा बाकी जितने भी सिविल डिस्प्यूट है कमर्शियल डिस्प्यूट है वो सब में आप मेडिएशन लगवा सकते हो क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया में एक चेयरपर्सन होते हैं दो मेंबर होते हैं एक पार्ट टाइम एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं एक चेयरपर्सन दो फुल टाइम मेंबर एक पार्ट टाइम मेंबर और तीन एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। तो एक दो तीन चार पाँच छह सात टोटल सात मेंबर होते हैं एक चेयरपर्सन दो फुल टाइम मेंबर एक पार्ट टाइम और तीन एक्स ऑफिशियल मेंबर ठीक है आगे बढ़े लोक अदालत आपको पता ही है इसमें कुछ नहीं है ज्यादा ये भी एक एडीआरएम है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेजम है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत ही बनी थी तो नालसा सालसा डालसा लोक अदालत और सुप्रीम कोर्ट वाली लीगल सर्विस कमेटी ये सब लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत ही बनी थी एल एक्ट ओके तो ये जो आपकी लोक अदालत है ये भी नेशनल लेवल पे होती है स्टेट लेवल पे होती है हाई कोर्ट के लेवल पे होती है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होती है तालुक के लेवल पे होती है रोज देश में कहीं ना कहीं लोक अदालत तो बैठी ही होती है इतनी ज्यादा लेवल्स हैं लोक अदालत के ठीक क्लियर चले आगे बढ़े फिर इसके पास वही पावर होती है जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है सेम पावर एज एट ऑफ अ सिविल कोर्ट और ये देखो कैसे केसेस चल सकते हैं इना लोक अदालत सिविल केसेस मेट्रीमोनल केसेस लैंड डिस्प्यूट पार्टीशन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लेबर डिस्प्यूट एंड ऑल नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस तो एक एक्सेप्शन है जो लोक अदालत में आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो वो क्या है कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस इफ देर इज अ कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस इफ देर इज अ कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस इट इज नॉट टैकल्ड इन द

मॉडल प्रिजन एक्ट अभी किसने प्रिपेयर किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने मॉडल क्यों लिखा है इसका नाम क्योंकि आपका प्रिजन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है तो जब एक स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर कानून बनाता है तो उसको एक मॉडल तरह प्रेजेंट करता है ताकि उसको इंकलकेट करके उसको इम्बाइब करके स्टेट्स अपना खुद का कानून बना सके इसके ऊपर आपका प्रिजन के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है मॉडल प्रिजन एक्ट इज अ प्रिजन प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट ओके इसमें वही बोला गया है कि अच्छा कंडक्ट करो पेरो फरलो रेमिशन चीज़ें मिलनी चाहिए प्रिजनर्स को पेरो क्या होता है कंडीशनल रिलीज होती है कि अगर मान लो किसी को अपने भतीजे की शादी अटेंड करनी है तो उसको पेरो दे दो किसी की तबीयत खराब है इलाज करवाना है पेरो दे दो किसी के घर में किसी का देहांत हो गया है पेरो दे दो ये सब चीज़ों के लिए पेरोल मिलती है फरलो फरलो एक लॉन्ग टर्म इंप्रिजनमेंट है द पीरियड ऑफ फरलो ग्रांटेड टू अ प्रिजनर इज ट्रीटेड एज रेमिशन ऑफ इज सेंटेंस तो अगर फरलो किसी प्रिजनर को दी जाती है तो वो रेमिशन है ना रिडक्शन ऑफ सेंटेंस में काउंट होती है कि इतना इसका मतलब ठीक है बहुत लंबा था छह महीने का अगर फल लो मिला है तो वो छः महीने उसके रिडक्शन ऑफ सेंटेंस में काउंट हो जाएंगे क्लियर बात समझ में आ गई ओके okay. फिर इसमें याद रखना कि इसमें वोकेशनल सब अच्छी अच्छी बातें जितनी भी प्रिजन के बारे में है सब मॉडल प्रिजन एक्ट में दी गई हैं इवन टू द एक्सटेंट ऑफ ओपन प्रिजन राइट तो सब कुछ इसमें दिया गया है तो आपको इसमें चिंता नहीं करनी है अच्छा इंडिपेंडेंस से पहले एक एलेक्डर कार्डियो कमेटी बनी थी ये याद रखना और दूसरी एक प्रेजेंट डिसिप्लिन कमेटी बनी थी जो कि लॉर्ड मैकाली ने एटीन में बनाई थी ये थोड़ी गलती दे रखी थी एटीन थर्टी सिक्स है ये। तो प्रिजेंट डिसिप्लिन कमेटी लॉर्ड मैकाली ने बनाई थी एटीन में और एलेक्गजेंडर कार्डियो कमेटी बनी थी प्रीजेंट रिफॉर्म्स के लिए नाइनटीन में ठीक है फिर कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सेफ क्या है प्रिजेंट को लेकर तो सेवन शेड्यूल में प्रिजन एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है है ना एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कौन करेगा बिजनेस का स्टेट गवर्नमेंट करेगी आर्टिकल थ्री नाइनटी थर्टी नाइन ए में फी लीगल एड की बात करे गई हम देख ही चुके हैं और बहुत सारे और एक्ट भी बनाए गए हैं इसके रिगार्डिंग प्रीजन के रिगार्डिंग चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज है जैसे आर्टिकल वन फोर्टी टू आर्टिकल वन फोर्टी टू क्या कहता है कंप्लीट जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल वन फोर्टी टू के अंदर क्या देता है कंप्लीट जस्टिस देता है ये वन फोर्टी टू ऑलरेडी यूपीएससी ने दो हज़ार उन्नीस में शायद पूछ चुका है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दिस एंटायर आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इट इज अ इट इज अ प्रोविजन वेयर बाय सुप्रीम कोर्ट डज कंप्लीट जस्टिस ओके okay, ये न्यूज में क्यों था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई मैरिज जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है तो कोई मतलब नहीं है कि उसको तुम एक डिस्पेंसिंग पीरियड दो कि भाई तुम इस पीरियड में बैठ के देखो बातचीत करके देखो अगर ठीक हो जाए तब ले लेना उस सबकी कोई जरूरत नहीं है हम तभी तुरंत तुरंत के डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं तो हम तभी के तभी कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं एक डॉक्टर ऑफ प्रोमिजरी एस्टोपल है डॉक्टर ऑफ प्रोमिजरी एस्टोपल के नाम से प्रोमिजरी एस्टोपल का क्या मतलब होता है टू एंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और सी कंपनसेशन फॉर फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है प्रोमिजरी स्टॉपल का नाम है कॉन्ट्रेक्चुअल लॉस के रिगार्डिंग ये बना था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं मतलब या तो आप कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन करो और अगर आप नहीं करो तो कंपनसेशन दो इस रिगार्डिंग प्रोमिजरी एटोपल जो है उसका डॉक्टर चलता है तो आपको बस ये बात याद रखनी है इसमें कि इट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ प्रमिरी एस्टोपल कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ ठीक है फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में दो तीन बातें याद रखो पहला इसमें क्या केमिकल यूज होता है सोडियम पेंटोथेल सोडियम पेंटोथेल देके थोड़ा तो सा आपके सेंसिस को नंब किया जाता है उसके बाद आपके ऊपर नार्को टेस्ट लगाया जाता है मतलब आपके ऊपर क्यों लगाएंगे यार <laughs> मतलब इन जनरल लगाया जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो नार्को टेस्ट है ये किसी भी इंसान के कंसेंट के बिना आप नहीं ले सकते उससे तीसरी चीज़ ये जो होता है नार्को टेस्ट ये कभी भी ना प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है इसके बेसिस पे इसके फाइंडिंग के बेसिस पे आप एविडेंस गैदर करके एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में लेकिन नार्को टेस्ट आप नहीं दिखा सकते कि देखो देखो सर इसने तो बोल दिया कि ये क्रिमिनल है नहीं नार्को टेस्ट डायरेक्टली आप एविडेंस के रूप में नहीं प्रमि, मतलब एडमिसेबल नहीं होता है वो कोर्ट में तो ये बात आपको याद रखनी है ठीक है फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और ये जो एडवोकेट एक्ट है ये तो चलो ठीक है आपने उसमें पढ़ा ही है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन से होते हैं जो रजिस्टर्ड एंड ऑथोराइज बाय सुप्रीम कोर्ट होते हैं रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन दै कोर्ट और एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत दो तरह के एडवोकेट और एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने रूल 2013 में बना के बोला था सीनियर एडवोकेट जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो वो बिना किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नहीं आ सकता है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज ए लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रजिस्टर्ड और ऑथोराइज है बाकी फास्ट टैग स्पेशल कोर्ट इंडिया में बनी थी खासकर रेप केसेस और पॉक्सो केसेस को डील करने के लिए जो सेंट्रल ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसका आपको वो समझ में आ जाएगा ब्रेकअप कितना है कुछ पैसा सेंटर देगा कुछ पैसा स्टेट देगा जो सेंटर का जो पैसा है वो निर्भया फंड से देता है और ये पूरी की पूरी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम है ये किसके अंदर चलती है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम है ये किसके अंदर चलती है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर इंप्लीमेंट होती है ये ठीक फिर नारी अदालत तो ज़्यादा है नहीं मतलब ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है है ना वमेन कोऑल्टरनेट ग्रेमेंस डेस्टल मैकेनिज्म देने के लिए है ये न्याय पोर्टल हमने पीछे देखा था न्याय विकास पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन देखता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियरी जुडिशरी के डेवलपमेंट के, के लिए है न्याय का विकास करना है ना न्यायालयों का विकास करना है याद रख लो फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट में एक बात याद रख सकते हो कि जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है वो टाटा ट्रस्ट ने दिया है उसका जो थर्ड एडिशन है अभी रिसेंटली वो रिलीज किया है किसने टाटा ट्रस्ट ने ओके ये क्या करता है ये हर स्टेट का देखता है कि इसने कैपेसिटी बिल्डिंग जस्टिस डिलीवरी पे कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग करी है दैट इज़ वॉट द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इज अबाउट ऑल राइट यहाँ पे हम इस लेक्चर को बंद करेंगे यहाँ पे फोर्टी वो हो गए हैं आपके ये यह आप यहाँ पे आके देख सकते हो एक मिनट उप जाओ भी जाओ मत कुछ इंपॉर्टेंट बताना है तो यहाँ पे ये यह चार टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा अगले दो तीन दिन के अंदर अंदर आ जाएगा उसमें पोल्टी पीट थी सिक्सटी फाइव आपकी खत्म करा दी जाएगी बाद के चार टॉपिक हैं आपके कंप्लीट करा दी जाएंगे और आपका फिर ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और लास्ट में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस ये में जो चारों चीजें हैं ये आपको अगली बार कवर करा दूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल राइट आई डोंट नो ये शायद दो घंटे के आसपास का लेक्चर हो गया होगा बट इसे ज़्यादा तेज में पढ़ा भी नहीं सकता हूँ तो मुझे प्लीज बताएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ गिव मी फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन क्वेश्चंस का आंसर करना जो मैंने पूछे थे इसमें और फीडबैक देना ये बहुत ही प्लीज कंपलसरी है ये अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या इशू हो रहा है जनरली क्या होता है कि जब मैं सेकंड लेक्चर डालूंगा तो उस उसमें कम लोग देखेंगे तो एक तो बात है कि इनकनसिस्टेंट होते हैं लोग और अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज आई कैन अंडरस्टैंड देट आईव यूज हंग्लिश इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इसके अलावा आई ट्राई टू अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश चाहिए अगले वीडियो में तो मुझे वो भी बताइए अगर आपको ये सही लग रहा है तो भी बताइए तो प्लीज़ मुझे बताया कि आपको लेक्चर कैसा लगा है आपको इसमें से समझ में आया कि आपको पी टी थ्री सिक्सटी फाइव कैसे पढ़ने है कैसे उसको इंटीग्रेट करना है हेल्पफुल लगा अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डो लेट मी नो थैंक यू सो मच इन द कॉमेंट सेक्शन एल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट आई होप दिसक्चर वज हेल्पफुल एंड वी विल मीट सून द मार्क पी डी एफ विल अवेलेबल ऑन द अंडरस्टैंडल टेलीग्राम चैनल एंड इफ यू आर लाइक इफ यू लाइक दिस लेक्चर इफ यू लाइक दिस सीरीज डू ट्राई टू शेयर विद अर पीपल शेयर विद अदर एस्पायरेंट ताकि सबको समझ में आएंगे एक्चुअली ब्रिटिश पटनी कैसे होती है ऑल राइट right. हाँ भाई दो घंटे से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ सिंगल टेक लेक्चर ये पूरा का पूरा सिंगल टेक में रिकॉर्ड किया गया कहीं इसमें कोई ब्रेक कोई स्टॉप नहीं था कोई पॉज नहीं था सिंगल टिंग में पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है मजा आ है आपको पढ़ा के आपको पढ़ के मजा आया क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी सेकेंड लेक्चर में मिलते हैं दिस इज अब तो गला भी दर्द कर रहा है दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ फॉर नाउ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम इन द सेकंड लेक्चर इन विच विल कंप्लीट द एंटायर पॉलिटी पीट थ्री सिक्सटी फाइव सत्यम जैन साइनिंग ऑफ जय हिंद वंदे मातरम आई होप द लेक्चर वॉज हेल्पफुल डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स टेक केयर हैव अ गुड वीक फॉर हार्ट